मानुषी संवाद में आपका स्वागत है। वेलकम टू द 8th जुलाई 2022 एडिशन ऑफ मानुषी संवाद। फ्रेंड्स, कल मैंने माया कुरनानी की स्टोरी पार्ट वन आपके सामने पेश की थी और जब मैंने खत्म की तो मुझे बहुत हैरत हुई कि सब सुन, देयर वाज सो लिटिल रिस्पॉन्स। आई थिंक यू आर परहैप्स इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो मुझे लगा या तो इंटरेस्ट नहीं आया, क्यों इतनी रोने धोने वाली कहानी सुना रही हैं, क्यों इतना डिप्रेस कर रही हैं, शायद ये रिस्पॉन्स ना हो आपका। परंतु शुक्र है, मैंने जाके आपके रिस्पॉन्सेस पढ़े यूट्यूब पे, तो मुझे समझ आया कि नॉट ओनली डिड यू लिसन टू द स्टोरी केयरफुली, जो मैंने रिस्पॉन्सेस से समझा, परंतु पार्ट टू सुनने की उत्सुकता भी बहुत तीव्र थी। नहीं तो शायद मैं 2-4 दिन बाद हिम्मत करती अगर मुझे लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही घबरा गए या कहीं बोर तो नहीं हो गए। परंतु आपके रिस्पॉन्सेज ने मुझे बोला कि मुझे एक दिन की भी बीच में गैप नहीं लेनी चाहिए, एक दिन भी बीच में गैप नहीं आना चाहिए। आई शुड कम्प्लीट द स्टोरी एट द अर्लीस्ट। सो हियर आई एम टू टेल यू पार्ट टू ऑफ द स्टोरी। और मैं बताऊं आपको कितना दुख हुआ होगा, झटका लगा होगा, ये तो आप ही जाने। परंतु 2014 से जब से, या मैं कहूँगी 2013 से जब से मैंने ये मोदी नामा लिखना शुरू किया और एक के बाद एक इनके खुलासे होते गए, मुझे सच में तब से अब तक शायद एक रात भी अच्छी नींद नहीं आई। इट हैज़ रियली हैड अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन माय हेल्थ, ऑन माय पीस ऑफ माइंड, ऑन माय स्लीप। कर्नल पुरोहित की कहानी जब मैंने इन्वेस्टिगेट की और शेयर की, तब भी आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड। आई जस्ट कुडंट अब्सॉर्ब द इनॉर्मिटी ऑफ इट। सांबा स्पाई स्कैंडल की जो कहानी सुनी उनके विक्टिम से, आई स्टिल रिमेन ट्रॉमेटाइज्ड फ्रॉम दैट। और हमने सोचा था कि मोदी जी के आने के बाद ये ट्रोमा कम हो जाएंगे, ये सच में उम्मीद थी मेरी। और तभी मैंने बहुत उत्साह से केवल वो लिखी नहीं किताब, बहुत अपमान और क्रिटिसिज्म झेला। परंतु फिर मोदी जी आए तो एक के बाद एक शॉक्स भी देने लगे मोदी जी भी। अब तो रोज ही नया शॉक मिलता है। अभी आज ही देखा होगा आपने हरियाणा में जो उनके आईटी सेल के इंचार्ज थे अरुण यादव, उनको निष्कासित कर दिया उनकी पोस्ट से। क्यों? क्योंकि शायद 2017 में उन्होंने कोई ऐसी ट्वीट की थी जो इस्लाम के प्रति कुछ प्रश्न चिन्ह उठाती लगाती है, इस्लाम के प्रति कुछ सवालिया निशान लगाए 2017 में। वो ट्वीट अभी वायरल होती है और मोदी जी उनको भी बलि का बकरा बना देते हैं। एक के बाद एक सीखते ये भी नहीं कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने के बाद और दूसरे उनके जो पार्टी के नवीन जिंदल को पार्टी से निकालने के बाद कैसे एक झड़ी लगती जा रही है सरतन से जुदा वालों की, और बहुत से लोग बलि के बकरे बन गए। और आज एक और उन्होंने बना दिया, विच मीन्स दैट ही इज एक्चुअली ट्रेनिंग अस, प्रिपेयरिंग अस टू लिव बाय शरिया कोड, टू लिव अंडर इस्लामिक लॉ। वो तो यूसीसी मानने से रहे, मोदी जी ने शायद वो सपना तो छोड़ दिया, यूसीसी लाएंगे और नाम कमाएंगे, वो तो यूसीसी लाने देने वाले हैं नहीं। तो इन्होंने सोचा हिंदू तो हैं ही मूर्ख, हिंदू तो हैं ही धीमी, चलो इन्हीं पे शरिया लगा दे तो यूनिफॉर्म तो हो जाएगा, तो सब यूनिफॉर्मली शरिया कंप्लायंट हो जाएंगे। क्योंकि ये शरिया तो केवल बंदूक, तलवार, AK-47 और टेरर अटैक्स के बल पर चलता है, और उसके लिए तैयारी शायद करवा रहे हैं मोदी जी हमारी। तो जैसा मैंने कहा कि ये सब इंसिडेंट्स, चाहे माया कुरनानी की कहानी हो या
कर्नल कुडनाय कर्नल पुरोहित का अब तक फैसला ना हो उनके फेवर में, उनके एक्विटल में। इतना लंबा इनकार्सरेशन जेल में 9 साल, उसके बाद केस खत्म ही नहीं होने को है। ऐसे कितने मामले हैं एक के बाद एक आए जा रहे हैं, चाहे पालघर साधु के मसले हों, किस तरह बेरहमी से लिंच हुए, या जिस तरह वेस्ट बंगाल में लोगों को घरों से घसीट के मारा गया, बलात्कार हुए, घर जलाए गए क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट करने की गलती कर दी थी। ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शॉक लगे जा रहे हैं, आज से नहीं 2014 से। तो आई टेल यू इट हैज रियली सीरियसली अफेक्टेड माय पीस ऑफ माइंड, माय हेल्थ, माय स्लीप, एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, एक रात भी मैं 2014 के बाद से एक रात भी शांति से नहीं सोई हूँ। वेर आई कैन से आई हैड 7 आवर्स साउंड स्लीप, नो, कुछ भी कर लूँ मैं, चाहे ध्यान करूँ, चाहे मंत्र जाप करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, परंतु बहुत गहरे सदमे हैं ये। खैर, इस पे ज़्यादा नहीं बोलते हैं, आते हैं वापस टीस्टा सेठलवाड एट हर अगलीस्ट वर्स्ट पार्ट टू, टीस्टा सेठलवाड ईविल एट इट्स अगलीस्ट। और इसमें जज ज्योत्सना याग्निक की लॉलेस ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ माया कुरनानी। कल का ब्रीफ मैं समरी दे देती हूँ फॉर दोज ऑफ यू हु वर नॉट एबल टू जॉइन यस्टरडे। कल हमने आपको बताया विद साउंड एविडेंस, वीडियोग्राफिक एविडेंस एंड मेनी अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस, कि जो आरोप लगा था माया कोडनानी पे कि 28 फरवरी को यानी गोधरा कांड के अगली सुबह, ये सुबह सुबह 8:30 बजे अपने ही मोहल्ले में अपनी गाड़ी की डिक्की से हथियार बांटते हुए देखी गई, नारे लगाती देखी गई और भीड़ को भड़काने में बहुत अग्रसर भूमिका निभाते देखी गई। ये कल हमने आपको आरोप बताए थे और 8:30 से 9:30 10 तक ऐसे कई विटनेसेस ने अलग अलग टाइम बताए, ये 2 घंटे का समय बताया गया। परंतु जो एविडेंस उनके पास था ज्योत्सना याग्निक के, वो स्पष्ट दिखाता है कि वो 7:45 बजे घर से निकलती हैं, असेंबली में जाती हैं, जहां गोधरा में बेरहमी से कत्ल किए गए, जलाए गए कार सेवकों की मृत की मौत पर कंडोलेंस मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी असेंबली में, और वो मीटिंग 8:40 पे ख़त्म होती है। ये फिर नीचे आती हैं अपनी कार पार्क में, एक एमएलए उनके साथ है और वो एमएलए अपनी गाड़ी में, ये अपनी गाड़ी में खुद चला के पहुंचती हैं 16 अस्पताल, क्योंकि वहाँ बहुत से रात लेट या सुबह सुबह तड़के सवेरे वहाँ गोधरा कांड के मृत उनकी लाशें लाई गई थी। और क्योंकि इनके ही मोहल्ले के कुछ लोग थे, उनमें से इनकी क्लिनिक में काम करने वाली एक नर्स के कुछ रिश्तेदार भी शामिल थे, तो ये उनको सांत्वना देने और डेड बॉडीज़ जल्दी से रिलीज हो जाए, ज़्यादा पुलिस या डॉक्टर्स रेड टेपिज्म में ना उलझा दें, तो वो वहाँ पहुँचती हैं। और जब वहाँ पहुँचती हैं, अमित शाह भी वहाँ पहुँचते हैं उसी वक्त, दोनों अंदर जाते हैं, थोड़ी देर में बाहर आते हैं। और क्योंकि जो बाहर मृतों के, मृत जनों के परिजन खड़े हैं, परिवार वाले खड़े हैं, वो बहुत ही गुस्से में हैं, बहुत ही शोक में हैं, बहुत ही आग बबूला हो रहे हैं कि उनके परिजनों के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इनके साथ धक्का मुक्की भी होती है, हाथापाई भी लगभग कह सकते हैं, पर ये बिल्कुल माया कोडनानी और अमित शाह दोनों चुप, कुछ नहीं कहते, दोनों ही जैसे सदमे में हैं। विशेषकर माया कोडनानी की तो मैंने बॉडी लैंग्वेज भी आपको दिखाई, चुप बिल्कुल, किसी चीज़ का जवाब नहीं, किसी को उकसाना तो बहुत दूर की बात। 16 अस्पताल से
ये बाहर अपनी गाड़ी में वापस नहीं जाती क्योंकि वहाँ माहौल बहुत ख़राब है। पुलिस की गाड़ी इनको और अमित शाह को आरटीओ चौक ऐसे दो अलग स्थानों पर छोड़ती है। वहाँ से ही अपनी गाड़ी में बैठती है जो कार्यकर्ता पीछे खुद लेके आए थे, पार्टी के कार्यकर्ता। वहाँ से अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल जाती हैं, वहाँ भी कुछ इंजर्ड लोग घायल हैं जो गोधरा में घायल हुए, ट्रेन एक्सीडेंट में घायल हुए। उसके बाद ये अपनी क्लिनिक में जाती हैं, अपने अस्पताल में जाती हैं, वेयर शी अटेंड्स टू अ मैटरनिटी केस, डिलीवरी केस। एक बच्चा डिलीवर करना है, वो इमरजेंसी कॉल थी। वो करने के बाद फिर वापस अस्पताल, सोलह अस्पताल आती हैं। ये उनकी जो दिनचर्या है वो सीसीटीवी कैमरास में कैद थी। उसके अनेकों चश्मदीद गवाह हैं, सिर्फ उनके साथी एमएलए ही नहीं जो उनके साथ बाहर निकले असेंबली से, या जिन्होंने उन्हें 16 अस्पताल में देखा, या अमित शाह जिनको वो 16 में मिली और फिर इकट्ठे ये पुलिस की गाड़ी में कुछ दूर तक आए। तो उसके अलावा दो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो 16 अस्पताल पे थे, उन्होंने कहा कि ये आई थी यहाँ और इतने बजे तक यहाँ थी। जो ड्राइवर जिसने इन्हें ड्रॉप किया, जो पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी थी जिसमें उन्होंने इन्हें ड्रॉप करवाया, वो सब चश्मदीद गवाह, अनेकों चश्मदीद गवाह हैं, पर ज्योत्सना याग्निक जी किसी की गवाही लेने को तैयार नहीं। शी रिफ्यूजेस टू टेक इन टू कॉग्निसेंस ऑल द एविडेंस दैट प्रूव्स दैट बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कुड ज्योत्सना याग्निक बी एट फाइव डिफरेंट प्लेसेस। कि वही ज्योत्सना याग्निक अस्पताल में भी हैं, उस 16 अस्पताल में के अलावा अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल भी जाती हैं, असेंबली में भी जाती हैं, फिर आके अपनी क्लिनिक में डिलीवरी भी करती हैं जिसके सबके एविडेंस हैं, और फिर वो नरोडा पाटिया में हथियार भी वो ही बांट रही हैं उसी समय में, और नरोडा गांव में भी जाके उकसाती हैं, हथियार बांटती हैं और लोगों को दूसरों के घर जलाने के लिए कुछ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस भी देती हैं। ये चार पाँच जगह उसी व्यक्ति का उसी समय में होना ये असंभव है, परंतु ज्योत्सना याग्निक ने इस असंभव को भी संभव करने का पूरा जोश लगा दिया। शी लिटरली रेप्ड द फैक्ट्स, शी रेप्ड द एविडेंस, शी रिफ्यूज टू टेक इनटू अकाउंट रियल फैक्ट्स एंड देन जस्ट कुक्ड अप अ स्टोरी, अ नैरेटिव, जिसको हम क्या कहें, द आर्ट ऑफ अल तकिया। ये ज्योत्सना याग्निक जी ने भी बहुत बखूबी प्रैक्टिस किया। आप देखिए, आगे चलिए और कहानी चलते हैं। आपने ये पिक्चर, प्लीज स्लाइड टू प्लीज, ये लेफ्ट को आप देख रहे हैं जो माया कुरनानी की फोटो है, बिफोर टीस्टा सेटल वार्ड स्ट्रक। और ये आपने अगर आप गूगल सर्च करेंगे, ये चेहरा हंसता हुआ खुश चेहरा शायद किसी पॉलिटिकल रैली का है या जिस दिन वो चुनाव जीते हैं, तो वो उत्साहित प्रफुल्लित चेहरा आपको सारे मीडिया में दिखाया जाएगा। उस वक्त भी यही चेहरा दिखाते हैं हमारे मीडिया वाले जब ये अस्पताल में मरने के कगार पे थी, या प्रिजन में शी वॉज बींग गिवन इलेक्ट्रिक शॉक्स, शी वॉज इन सच सिवियर डिप्रेशन, शी कुड हैव डाइड फ्रॉम इट। अगर डिप्रेशन से नहीं मरती तो इलेक्ट्रिक शॉक से तो निश्चय ही इनकी मौत हो सकती थी, अगर उनके पति ने रोका ना होता जेल अथॉरिटीज़ को, आप ये नहीं करेंगे, ये ट्रीटमेंट डिप्रेशन का नहीं हो सकता। परंतु जब ये हाई कोर्ट से छुटे तब तो समझ आता है कि शायद चेहरे पे दो पैसे की मुस्कान आ जाए, पर नहीं थी उनके चेहरे पे। जगह आप असली इनकी वीडियो देखें, असली चेहरा ये देखें, आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुंच गए आप आशीष, हाँ प्लीज स्टे देयर। असली चेहरा जो आज का है ये देखें, ये हाल कर दिया टीस्टा सिलवाड और याग्निक ने मिलकर इस महिला का,
जो कि बहुत प्रोमिनेंट सोशल वर्कर थी, एक अच्छी एमएलए थी, एक काबिल डॉक्टर थी एंड मच लव्ड इन हर नेबरहुड, इन हर कंस्टिट्यूंसी एंड ऑल्सो विद इन हर ओन कम्युनिटी। परंतु मीडिया वाले ही आपको ये वाला बुझा हुआ चेहरा नहीं दिखाते, आज भी नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है कि देखिए ये दंगों वाली महिला, इसने कैसे लोगों के घर जलाए, लोगों को मरवाया, दंगे करवाए और अभी भी देखो कितनी खुशनुमा दिखती है, देखिए कितनी फख्र से दांत निपोर रही है। दैट्स वाई दिस इज हाउ मीडिया नैरेटिव इज क्रिएटेड। आपने कभी राइट हैंड वाली पिक्चर देखी है, इनकी फोटोग्राफ देखी है माया कोडनानी की? कहीं मीडिया में नहीं देखी होगी, गूगल सर्च करिए, ये लेफ्ट वाली ही दिखेगी, हंसता हुआ, खिलता हुआ चेहरा, खिला हुआ चेहरा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कहानी पे आते हैं। ये जो कहानी मैंने आपको कल तक की बताई थी, जिससे 28 साल की इनको सजा दी गई, इसमें शामिल था तहलका मैगजीन का भी एक स्टिंग ऑपरेशन। तहलका के बारे में तो आप जानते ही हैं, शुक्रत ठप हो गई, तरुण तेजपाल जी स्वयं गोवा में अपनी ही एक जूनियर कोलीग के साथ कुछ ऐसी अभद्र हरकतें पाए करते पाए गए कि उनके ऊपर रेप का मुकदमा, सेक्सुअल असॉल्ट का मुकदमा चला और सारी मिट्टी पलीद हो गई। सच तो ये है वो केस इतना सीरियस था या नहीं, उस पर दो राय हो सकती। वो महिला भी उनकी टक्कर की निकली, द यंग वुमन, परंतु तरुण तेजपाल ने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं। पहले आपको याद होगा डिफेंस परचेजेस को लेके, जिस तरह उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस और हमारे आर्मी जनरल्स को किस तरह से जलील किया था और एक फेक नैरेटिव चलाया था, बहुत झूठ का वो भी उनका सौदा था, बट अदरवाइज ऑल्सो countless such evil deeds he had to his credit through Tehelka magazine, but he was the big star. He was the biggest star of journalism in those days. Aur Congress ne, left parties ne, videshi sansthaon ne inko karono rupya diya. Property to waise unhone itni bana li hai ki saath pushte aaram se kha sakti hai, par at least aaj samaj mein muh dikhane layak nahi rahe. Ye shayad isme Maya Kodnani ki hai lagi, उनकी बद्दुआ लगी होगी। ये जो स्टिंग ऑपरेशन देखिए क्या किया, ये इस्लाम और सोनिया गांधी के ढाल, तरवाल की ढाल बनकर काम करते थे और ये आशीष खेतान, जिसको शैतान कहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इसने ऐसे उलझुल कई कहानियाँ लिखी। इन्होंने जाके एक स्टिंग ऑपरेशन किया, प्रकाश छाड़ा और सुरेश लंगड़ा, ये दोनों व्यक्ति, इनको शराब पहले पिलाई गई और उल जुलूल क्या भी उनके साथ यारी दोस्ती की, और ये स्पष्ट है कि स्टिंग ऑपरेशन में दोनों शराब पिए हुए थे और लड़खड़ा रहे थे। तो खेतान, शैतान बोले तो ठीक है, ही आस्क्स वन ऑफ देम ऑन दैट डे, दैट इज 28 फरवरी 2002, विच ऑल पॉलिटिशियंस केम, कौन कौन आए थे, क्या माया बहन भी आई थी? इस पे छाड़ा लंगड़ा की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, क्या वो आई थी, यानी उसको पक्का है नहीं, तो किसी और से पूछते हैं, अपने साथी से पूछते हैं, आई थी? और लंगड़ा कहता है हाँ हाँ, थोड़े समय के लिए आई थी, थोड़े समय के लिए आई थी। तो छाड़ा कहता है, पर वो क्या खुली जीप में नहीं घूमी थी अपने क्षेत्र में? Did not नरेंद्र भाई also come on that day? क्या नरेंद्र भाई भी उस दिन नहीं आए थे नरोड़ा पार्टियां में दंगे करवाने? आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर, मान लो किसी चीफ मिनिस्टर को दंगे करवाने भी होते हैं और कई तो माहिर होते हैं दंगे करवाने में, तो वो खुद थोड़े जाएंगे दंगाइयों के बीच में कहेंगे करो करो। ये एजेंट प्रोवोकेटर्स बहुत होते हैं किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, और कुछ नहीं तो ओवैसी साहब से बहुत सीख मिल सकती है, कांग्रेस के राजनेताओं से जिन्होंने हजारों सैकड़ों दंगे करवाए, वो कभी खुद थोड़े जाते हैं। राजीव गांधी तब 1984 के एंटी सिख मैसेकर के समय खुद थोड़े सड़कों पे आए थे, भेजा हुआ था उन्होंने अपने चहेतों को, वो घूम रहे थे। खैर अब ये देखिए स्टिंग ऑपरेशन में, तो खेतान फिर
बहुत हैरत से कहता है, नौटंकी है कर रहा है। नरेंद्र भाई, लंगड़ा सेज, यस ही केम इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, पैटेड अस ऑन द बैक एंड सेड यू आर डूइंग गुड वर्क, यानी बहुत अच्छा है तुम घर घर चला रहे हो और मार रहे हो। मतलब एक चीफ मिनिस्टर आता है इस लंगड़े के घर में और उसको ये कहे, और शराब पिए हुए है, कुछ भी बकवालों शराबियों की तो आपको मालूम ही है क्या लत होती है। अब ये माया कोडनानी के साथ साथ खेतान नरेंद्र मोदी को भी लपेटने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कोई एविडेंस किसी और ने नहीं कहा, किसी आई विटनेस ने नहीं कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने घर के बाहर या उनके मोहल्ले में देखा, किसी ने नहीं देखा, ना कहा, ना ऐसा कोई आरोप लगा। और जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम थी, उसमें भी उन्होंने तहकीकात कई साल तक की करके ये स्पष्ट कर दिया कि कोई भी साक्ष्य नहीं है कि नरेंद्र मोदी मॉब वायलेंस के लिए लोगों को उकसा रहे थे, जैसा कि खेतान ने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आरोप लगाने की कोशिश की। बट एसआईटी को उनकी इस स्टेटमेंट में कोई सच नहीं मिला, परंतु जज याग्निक तो चिपक के बैठ गई ये स्टेटमेंट को लेके, इवन दो बोथ दीज शराबीज कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर सेवरल टाइम्स थ्रू दिस इंटरव्यू। छारा स्टेटमेंट डज नॉट स्टेट एनी टाइम एंड इंस्टेड मेक्स अ वेग असर्शन दैट शी यूज्ड टू गो अराउंड ऑल डे इन एन ओपन जीप, एंड येट दिस हैज बीन ट्रीटेड एज डेफिनेटिव एविडेंस टू प्रूव दैट कोडनानी वॉज अ को कॉन्स्पिरेटर, अ किंग पिन इन द राइट्स। किसी पे आरोप लगाना होता है जिसकी कोई अहमियत हो तो आपको बोलना पड़ता है कि इतने बजे इस सुबह को मैंने इस स्थान पर उनको देखा था। ये वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हाँ वो अपनी जीप में घुमा करती थी, खुली जीप में। नाउ दिस ऑब्वियसली इज नो वे टू मेक सीरियस एलिगेशंस। और चलिए, एक शराबी ने जिसको फुसलाया गया हो, चाहे पैसे दिए गए हों, क्या दिए गए हों, ताकि खेतान के चंगुल में आ गए, परंतु एक जज ऐसी स्टेटमेंट को डेफिनेटिव मान ले, ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। दूसरा, द स्टिंग ऑपरेशन वॉज ऑफ 90 आवर्स ड्यूरेशन, ये खेतान ने खुद कहा, और कई विजिट्स उसने अहमदाबाद उस एरिया में की, और कई विजिट्स के दौरान 90 घंटे का स्टिंग ऑपरेशन किया अलग अलग लोगों से, परंतु उसको काट पीट के एक घंटे की वीडियो बनाई खेतान ने, और इसको आज तक को दे दिया टेलीकास्ट के लिए, और आज तक ने बड़ी खुशी से बहुत चहकते हुए उसको रिले भी कर लिया, शायद पैसा भी काफ़ी दिया होगा, टीआरपी मिलनी थी, तो आज तक ने बड़ी खुशी से वो स्टिंग ऑपरेशन एक घंटे का चला दिया, जिससे मोदी जी भी और माया कोडनानी तो पक्का ही, और भी लोग उसमें लिप्त पाए गए इस खेतान की शैतानी वीडियो के अनुसार। नॉर्मली कोर्ट्स डू नॉट एक्सेप्ट एडिटेड रिकॉर्डिंग्स एज डेफिनेटिव एविडेंस बिकॉज द लाइक्लीहुड ऑफ टैम्परिंग एंड डिस्टॉर्शन इज वेरी हाई, बट इन दिस केस वन स्ट्रे सेंटेंस विदाउट any substantiation was used by Judge Yagnik to condemn Kodnani to 28 years of imprisonment. Koi proof nahi mila, do sharabiyon ke dead sentence ke aadhar pe usne kaha ye kehte hain to sahi hoga, baki evidence ki koi keemat nahi, wo assembly mein baithi thi uski koi keemat nahi, video hai uska 16 hospital mein uski koi keemat nahi, uske ministers कॉलीग्स ने देखा, एमएलएज ने देखा, अमित शाह ने उसके साथ पुलिस की गाड़ी में सवारी की, मैजिस्ट्रेट्स ने देखो, मैजिस्ट्रेट्स की गवाही की भी कोई कीमत नहीं, ये दो शराबियों के डेड सेंटेंस की बना पर उन्होंने उन्हें 28 साल की सजा सुना दी। और सबसे दुख की बात यह है कि छाड़ा और लांगड़ा ने बहुत कुछ और भी कहा था खेतान के साथ,
बहुत लोगों के नाम लिए थे, क्योंकि शराबियों का तो आप जानते हैं, वो अपने भाई भाई बहन का भी नाम ले लें, क्या पता चलता है जबान फिसल गई। और धुत अवस्था में थे, ये नहीं कि एक आध पैग वाइन का ले लिया या ब्लैक लेबल का ले लिया, दे वर रियली इन एन इनेब्रिएटेड कंडीशन, और कईयों के नाम अनाप शनाप बखे जा रहे थे। परंतु याज्ञिक जी ने किसी और आरोपी को, जिनका छाड़ा और लांगड़ा ने नाम लिया, उनको नहीं बुलाया। बस टारगेट था केवल और केवल माया कोडनानी। एज लॉन्ग एज द यूपीए गवर्नमेंट वॉज इन पावर, कोडनानी वॉज नॉट इवन अलाउड बेल, इवन दो हर हेल्थ हैड डिटीरियरेटेड ड्रामेटिकली व्हाइल इन जेल। अकॉर्डिंग टू हर डॉक्टर, अनएबल टू टेक द शॉक ऑफ अ कन्विक्शन, शी सैंक इन टू अ डीप डिप्रेशन दैट वॉज मेड वर्स बाय द काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक शॉक्स दैट दे वर गिविंग हर, और आनन फानन में एंटी डिप्रेसेंट्स और नींद की दवाइयाँ गोलियाँ कुछ भी दे सकते हैं ताकि आप डिसओरिएंटेड रहें। तो जेल में उनके साथ जो बदसलूकी हुई, वो केवल ये नहीं कि उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, बेल नहीं मिली, परंतु ऐसा ट्रीटमेंट मिला, ऐसा मेडिकल अब्यूज़ उनके साथ किया गया कि वो मृत अवस्था में निकलती अगर उनके पति ने जाके शोर न मचाया होता, वो खुद स्वयं डॉक्टर ना होते। एंड दैट्स रियली वॉट सेव्ड हर फ्रॉम सबसिक्वेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स दैट दे वर गिविंग हर। बहुत से लोगों का ये मानना, और मैं भी ये समझ, कि कोडनानी के साथ जो ज्योत्सना याग्निक इतनी बड़ी खिलवाड़ कर गई, उसके दो तीन मुख्य कारण हैं। एक तो कोडनानी जी को इतना विश्वास था कि मेरे पास तो इतने एविडेंस है, मैं कैसे फंस सकती हूँ, और मेरा कोई भी पड़ोसी जो है उसने आज तक मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी, और मैं अभी भी उनकी सेवा करती रही हूँ एज अ डॉक्टर, एज एन MLA, एज अ मिनिस्टर, तो कोई सवाल नहीं उठता कि मेरे खिलाफ झूठा केस कम से कम सच में बदल जाए। और इसलिए उन्होंने, कैन यू इमेजिन, इतना सीरियस चार्जेस हैं और इतने धूर्त दुष्ट आत्माएं उनके खिलाफ में खड़ी हैं, उन्होंने अपना पर्सनल लॉयर भी नहीं था। लॉयर क्या था कि आप सोचिए, गुजरात गवर्नमेंट की क्या डिसओरिएंटेशन रही होगी, या मुझे समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। मोदी जी का लगभग सारा कैबिनेट और उनके सारे सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर ये दंगे दंगों के मुकदमे चलाए गए, तुरंत नहीं, कल मैंने बताया था 6 साल बाद इनको याद आता है कि 2008 में याद आता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जाकिया जाफरी के कंधे पर बंदूक लेके तीसरा पहुंचती है, वहाँ आफताब आलम जैसे इनके प्रिय मित्र पार्टनर्स इन क्राइम बैठे हैं। तो ये 62, 63, माया कोडनानी के अलावा 62 और लोगों पे एक ही चार्ज है। और गुजरात सरकार, देखिए, ऑल ऑफ देम हैड अ कॉमन लॉयर, मिस्टर किकानी, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। कोडनानी वॉज पार्ट ऑफ दिस टीम ऑफ 62 और 63 एक्यूज दैट द गवर्नमेंट हायर्ड लॉयर डिफेंडेड ऑन ब्लॉक। और दूसरी तरफ से आप देखिए कैसे कैसे बड़े बड़े दिग्गज वकील आए होंगे, वो तो इनके किसी व्यक्ति को चींटी भी काटती है तो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, 25 की पूरी मंडली आ जाती है कोर्ट में, यहाँ एक वकील है। ऑफ द 62 एक्यूज, 31 वर एक्विटेड एंड 31 वर कन्विक्टेड आफ्टर द, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मैं, बहुत शायद किसी को भी नहीं पता, एक दो चार लोगों के अलावा। आफ्टर द कन्विक्शन बाय याग्निक, माया कोडनानी को पता चला कि ये जो किकानी साहब हैं ये डबल क्रॉस कर रहे थे। ही वॉज अलेज्ड टू बी ऑन द पे रोल ऑफ टीस्टा सेटलवाड, एंड हेंस ही इंश्योर्ड इजी कन्विक्शन बाय याग्निक। ये पता कैसे चला? ये अहमदाबाद से एयरपोर्ट में ठिकाणी साहब थे, ये बहुत सीरियस चार्ज लगा रही हूँ, और जिसने सुना मैं नाम तो नहीं बता सकती, परंतु
माया को नानी की फैमिली को पता चला कि वकील ही थे कोई नेक आत्मा। एयरपोर्ट में उन्होंने केकानी को टीस्टर सेटलवार्ड से बात करते सुना और केस की अपडेट दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं एयरपोर्ट से सीधा आप ही के घर आ रहा हूँ या ऐसी कुछ बात। अब गुजरात सरकार का लॉयर है और माया कोडनानी जैसे लोगों पे सीरियस संगीन अपराध के लगे हैं जिसमें मोदी खुद अमित शाह खुद शामिल हैं। और आप सोचिए वो लॉयर रिपोर्ट देता है फोन पे और अपॉइंटमेंट फिक्स करता है टीस्टा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, इंटेलिजेंस एज इन जो सिक्योरिटी एजेंसीज इनको नहीं मालूम था ये क्या कर रहे हैं केकानी साहब। और वो तो छोड़ो इंटेलिजेंस फेलियर, ये इंटेलिजेंस यानी दिमाग की बुद्धि की भी फेलियर कि कैसे वकील आप ले रहे हैं जिनकी बैकग्राउंड आपको पता नहीं, आप वो काबिलता से आपको डिफेंड भी कर पा रहे हैं कि नहीं ये भी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद ज्योत्सना याग्निक के कन्विक्शन के बाद जब इन्हें मालूम हुआ कि हमारा लॉयर ही हमें डबल क्रॉस कर रहा था तो इन्होंने फिर अपना अलग से लॉयर नियुक्त किया और फिर बाकी जो मुकदमा है वो इंडिपेंडेंटली ही लड़ा गया। अब ज्योत्सना याग्निक की कल भी मैं कहानी बता चुकी थी आपको काफ़ी हद तक कि कैसे वो मिसहैंडल कर रही थी केस, कैसे वो झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध करने में अपनी सारी जीनियस लगा रही थी। और अब देखिए इस ट्रायल के दौरान किस किस्म का इलॉजिकल लॉजिक इस्तेमाल कर रही हैं इन ऑर्डर टू हिट एट कोडनानी बाय हुक और क्रूक थ्रू दिस होल प्रोसेस ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंसेस। कोई प्रूफ नहीं है, एडवर्स इन्फ्लुएंसेस और गेसवर्क। अब सिद्दीक भाई अल्लाह बख्श मंसूरी ये जो विटनेस थे he testified before the court that Kodnani arrived at the scene of the crime at 8:30 a.m. or 9 a.m. in a Maruti car and that the mob started chanting Jai Shri Ram after seeing Kodnani. He further says that he saw Kodnani speaking to the mob and Kodnani instructed her PA to take out weapons from the jeep and distribute them among the mob. अब ये चार्ज बहुत सीरियस है कि मॉब से कह रही हैं भड़काऊ बातें बता रही हैं उन्हें और वेपन्स डिस्ट्रीब्यूट अपनी कार की डिक्की से कर रहे हैं। नाउ ये देखिए याग्निक कैसे एविडेंस को ट्विस्ट करती है। शी एक्नॉलेजेस हरसेल्फ दैट इन द स्टेटमेंट ऑफ द एसआईटी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू री इन्वेस्टिगेट द 2002 क्राइम्स there was no mention of slogans of Jai Shri Ram being chanted. But the same has been stated by the witness in his deposition before the court. Ye khud keh rahi hai. In order to legitimize this testimony, which was critical for implicating Kodnani, वैसे Jai Shri Ram का मतलब दंगाई भी, आप बताइए, ये हाल कर दिया है. Saffronize का मतलब fascism. ये हाल इन्होंने हमारे हिंदू धर्म का, हमारे हिंदू धर्म के उद्घोषों का, हमारे हिंदू धर्म के प्रतीकों का, सिंबल्स का ये हाल कर दिया है। सैफ्रन कलर हैज बिकम अ टर्म ऑफ अब्यूज। सिमिलरली जय श्री राम चैंट करना मतलब आप तो अब राइटस मॉब हैं। यहाँ खुशकिस्मती से ये भी नहीं हुए थे नारे, फिर भी झूठ बोला गया और ये भी पकड़ा गया। एसआईटी ने ये झूठ पकड़ा गया परंतु ये मानने को तैयार नहीं याग्निक जी। और जितने भी वैसे नालायक लॉयर होते हैं ना या नालायक जजेस, वो तिकड़म ही ज्यादा होते हैं क्योंकि तिकड़म के आधार पे ही वो अपना करियर बनाते हैं। तो अब देखिए कैसे लेजिटिमाइज करते हैं। वैसे इन्होंने जजमेंट लिखी भी नहीं, टीस्टा का ये काम है तोड़ मरोड़ करवा के ये लिखा। ये बहुत लोगों का आरोप है, मेरा नहीं, मैं तो इनको जानती नहीं, परंतु बहुतों का ये आरोप है कि इन्होंने लिखी नहीं, घोस्ट रिटन थी। और इस पे भी वैसे तहकीकात कायदे से होनी चाहिए, वो बड़ी जल्दी हो सकती है। अब देखिए कहती हैं
She justified this contradiction in the testimony of the witness about Jai Shri Ram Nara's, claiming that the witness might not have mentioned this to the SIT, but that the slogans were, ab suniye, likely to have been shouted since that was the mental state or spirit of the day. मतलब उनके संभावना है कि लोगों ने जय श्री राम नारे लगाए होंगे क्योंकि वो उस दिन का मूड था. अब बताइए, संभावना है. जिन्होंने नारे लगाए उनके खिलाफ किसी और ने नहीं ये विटनेस दिया, केवल ये इनके 11 गुर्गों ने ये कहा. पर ये स्ट्रेच कर रही है किस तरह अपनी इमेजिनेशन को, वैसे टीस्टा कर रही है. तो उस दिन ये मूड ही था, मातम मचा हुआ था उस दिन अहमदाबाद में. उस दिन मूड जय श्री राम का नहीं था, मातम का था. इतने परिवार उजड़ गए थे उस दिन और बहुत बेरहम हत्याएं हुई थी. एट वन पॉइंट याग्निक मेंशंस दैट मियर ओरल एविडेंस ऑफ द विटनेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कम्प्लीटली डिपेंडेबल एविडेंस. ये भी कह देती हैं क्योंकि जहां ओरल एविडेंस कुडनानी के फेवर में है तो कहती है ये तो डिपेंडेबल नहीं हो सकता, मियर. अच्छा, वीडियो वाला एविडेंस भी डिपेंडेबल नहीं है. जिसने आंख से देखा माया कुडनानी को उसके साथ बैठा सफर किया, वो भी डिपेंडेबल नहीं है. जिसने अस्पताल में जिस डॉक्टर या नर्स ने उनकी सहायता की डिलीवरी में, वो भी डिपेंडेबल नहीं है. जिस महिला की डिलीवरी करवाई, वो भी डिपेंडेबल नहीं है. सब एविडेंस है, वो डिपेंडेबल नहीं. परंतु अब किसका डिपेंडेबल है? वो दो शराबियों का सेंटेंस जो कुछ भी आनंद फानंद में बोले जा रहे हैं. सिंस द फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड आइडेंटिटी मार्कर्स एटसेट्रा वर नॉट मेंशन्ड बाय विटनेसेस इन द स्टेटमेंट्स गिवन टू द एसआईटी, याग्निक गिव्स द बेनिफिट ऑफ डाउट टू 5 एक्यूज्ड पर्संस. उनको छोड़ दिया. हाउएवर कुडनानीज पीए वाज नॉट इवन नेम्ड इन द स्टेटमेंट्स ऑफ द सेम विटनेसेस गिवन टू द एसआईटी. But he's not given the benefit of the doubt on that ground. इनके पीए को किसने देखा नहीं देखा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है. वो क्या दिखता था, क्या शक्ल थी, क्या पहने हुए था, कुछ पता नहीं. अब देखिए जरा, the reasoning given by Judge Yagnik is that this PA was described as Kodnani's PA. उसका नाम क्या है, पता क्या है, उसकी शक्ल क्या है, किसी को नहीं पता. उसके साथ था वो, उसका पीए था, बस यही. To quote her, the description is a satisfying way to involve A62, that is the PA, in the crime, in the statement of the SIT. However, the witness is not even questioned as to how he knew that the person allegedly accompanying Kodnani on that fateful morning was a PA. Kuch logon ne usko driver bhi bola tha, koi PA bhi bol raha hai, to aapko kaise pata wo unka PA hai? ये भी नहीं उसने पूछा कि आपको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ कि उनके साथ जो व्यक्ति है वो पीए है. She acted on the assumption that anyone associated with Maya Kurnani could be held guilty by association. In several instances in the judgment, Judge Yagnik ensured that Kurnani did not get the benefit of any ambiguity or contradiction in the statements of witnesses. अब दूसरा देखिए, अब्दुल माजिद मोहम्मद उस्मान शेख की टेस्टिमनी. रिगार्डिंग हिज टेस्टिमनी एज अ होल, याग्निक टेक्स अ कॉशियस अप्रोच इन बिलीविंग हिज स्टेटमेंट्स एंड रिजेक्ट्स मोस्ट ऑफ हिज डेपोजिशंस विद दीज रिमार्क्स. क्योंकि इसने बहुत उलझलूल बोला जिसका एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से कोई लेन देन नहीं था. ही जस्ट गेव अ ट्यूटर्ड और अ बैडली ट्यूटर्ड टेस्टिमनी. कोट है इनका, याग्निक का, देयर इज नथिंग टू डाउट द इंसिडेंट्स. But still, as far as this witness is concerned, it is safe to believe the incidents only if the incidents get support from some other prosecution witness. तो ये कह रही है, जो ये इतनी contradiction भरी statements दे रहा है, तो इसका मतलब कोई और भी supportive evidence होना चाहिए ताकि मैं ये उस्मान शेख की testimony को स्वीकार कर लूँ. ये कहने के बाद But she, in the end, accepts all his allegations against Kurnani. Ek aur hai, Zubair Khan, Islam Khan, Pathan, inki testimony. He said that he saw Kurnani in the mob outside Natraj Hotel.
that the men of that mob were told by Kotnani, you go ahead, I'm with you. But the big question is, कह रहे हैं कि एक बड़ा मॉब था नटराज होटल के पास और कुडनानी कह रही है तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बड़ो आ गए। पर क्या वो इतने पास था कुडनानी के कि वो सुन सकता वो क्या कह रही है? उसने लाउड स्पीकर पे तो बोला नहीं। अगर 10,000-15,000 का मॉब है कहीं पे, आप बताइए जब तक आप उस नेता के उसके पास हाथ में लाउड स्पीकर नहीं है, उस नेता के बिल्कुल पास नहीं खड़े, तो आपको कैसे पता चलेगा उसने क्या कहा या क्या नहीं कहा? इट्स हार्ड टू बिलीव दैट अ मुस्लिम वुड डेयर गो राइट इन द मिडल ऑफ अ 15,000 स्ट्रॉन्ग वॉलेटाइल मॉब दैट हैड एलिजिबली असेंबल्ड विद द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ किलिंग मुस्लिम्स। पठान वॉज क्लियरली ट्यूटर्ड ऑन टू ग्राउंड्स, फर्स्ट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ कुडनानी एट द सीन ऑफ द क्राइम, second with regard to his allegation that she was provoking the mob. So ye tutored ho sakti hai kyunki wahan uske piche piche chal ke uski khufiya giri to kar nahi sakta us aise din mein jahan wo keh raha hai 15,000 mob tha hinduo ka mujhe hum musalmanon ko marne ke liye. Although judge Yagnik frequently resorts to the principle of probability and natural behavior, ye dekhiye ये प्रॉबेबल हो सकता है, ये लाइकली हो सकता है, ये नेचुरल है कि वो करेगी ही करेगी ये काम, ये नहीं कि उसने किया और मेरे पास प्रूफ है। पर अगर कोडनानी बीजेपी की है तो ये नेचुरल है कि उसने दंगे भड़काए होंगे, इस तरह की उलझुल बातें करती है ये महिला नहीं, इसको तो औरत ही कहना चाहिए। ऑल्दो जज याग्निक फ्रीक्वेंटली रिजॉर्ट्स टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेचुरल बिहेवियर whenever they are convenient to establish the guilt of Kotnani, she fails to apply those very principles when dealing with the veracity of testimonies against Kotnani. All those statements that put a cloud of suspicion around the testimonies of witnesses against Kotnani are simply shoved under the carpet. At several points during the trial, the witnesses provided enough evidence of being tutored or giving doubtful testimonies to mislead the court and falsely implicate Kotnani. For instance, Judge Yagnik did question the veracity of the mobile phone. हाँ, ये बड़ा important है। उनको बाकी साक्ष्यों के साथ एक important साक्ष्य दिया गया माया कोडनानी द्वारा कि उनके फोन कॉल रिकॉर्ड्स देख लीजिए, और फोन कॉल रिकॉर्ड्स बिल्कुल जैसे जैसे वीडियो एविडेंस है उसी प्रकार से, जब वीडियो दिखाता है कि वो सोला अस्पताल में थी तो फोन कॉल रिकॉर्ड दिखा रहा है कि वो उस लोकेशन पे थी, जब उनका वीडियो दिखाता है कि वो असेंबली में थी तो फोन कॉल रिकॉर्ड असेंबली की लोकेशन उनके मोबाइल फोन की दिखाती है, जब वो अपनी क्लिनिक में है तब जितने बजे हैं वो 12:37 के करीब आती हैं, 10:30 और 10:30 के बीच में अपने नेबरहुड में नहीं है, अपने घर में नहीं है, उनका जो मोबाइल है ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। तो जज याग्निक को इससे भी संतुष्टि नहीं कि दोनों एविडेंस, वीडियो और फोन एविडेंस, फोन कॉल रिकॉर्ड, ये दोनों मैच कर रहे हैं, वो भी पर्याप्त नहीं उनके लिए, मुहतरमा के लिए। ये कहती हैं कि जब ये फोन कॉल रिकॉर्ड दिए गए तो कहती हैं ये कोई पक्का एविडेंस नहीं होता फोन कॉल रिकॉर्ड्स, और जब फैब्रिकेशन जो हुई, कितने पॉसिबल केस इंस्टेंसेस ऑफ फैब्रिकेशन व्हेन दे वर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जज, शी वाज नॉट कन्विंस्ड दैट कुडनानी वाज द टारगेट ऑफ मलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब देखिए इनका लॉजिक्स देखिए, हैरत करने वाला है। मियर पोजेशन ऑफ मोबाइल फोन्स इज सीन एज फर्म प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड गिल्ट। इन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन देखिए किस लेवल की क्या बोलते हैं फतूर था इनके ऊपर कि किसी भी तरह बाय हुक और क्रुक कुडनानी को मैंने
फांसी के फंदे तक पहुंचा नहीं है। कहती है, इट इज नोटेबल दैट इन द ईयर 2002 द मोबाइल फोन वॉज क्वाइट पॉपुलर एंड वॉज फ्रीली यूज एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, कृपाल सिंह, जंग बहादुर सिंह छाबड़ा, वही छाबड़ा जो शराब पिए हुए था, द पीए ऑफ माया बेन कोडनानी, बिपिन ऑटोवाला एट्सेट्रा हैव बीन अलेज्ड टू बी इन कॉन्टैक्ट ऑन अ मोबाइल फोन। कि ये चार्ज है कि ये सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे मोबाइल फोन के माध्यम से, क्योंकि बाबू बजरंगी भी एक्यूज्ड है और ये छाबड़ा वगैरह भी जो थे बिपिन ऑटो वाला। बट नन ऑफ देम स्टेटेड दैट दे डिड नॉट हैव मोबाइल इन 2002 एंड दे हैड नो टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट विद द को-एक्यूज्ड। दिस फैक्ट इज अ सर्कमस्टांस विच कैन सर्टनली बी कंसिडर्ड when the hatching of criminal conspiracy stands proved against the accused. Their agreement to do illegal acts cannot be without any communication. Hence, it is inferred that they have communicated with one another since they belong to the same group, same organization working for Hindutva. ये नहीं देख रही कि उनके वाकई ही फोन पे बातें हो रही हैं, पर कह रही है कि क्योंकि एक ही पार्टी के थे, संघ परिवार के थे, तो इसलिए ये मान लेना चाहिए कि ये कॉन्स्पिरसी का हिस्सा होंगे ही होंगे। और इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था, क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन था। शी डजंट नीड कॉल रिकॉर्ड्स, बट यही है कि सबके पास मोबाइल फोन था, सभी एक ही संघ परिवार से जुड़े हुए थे, इसलिए कॉन्स्पिरसी में जरूर बात किए होंगे, सब उस कॉन्स्पिरसी का हिस्सा रहे ही होंगे। When doubts over Kodnani's guilt remain strong, Judge Yavnik stretched the principle of probability in order to draw adverse inferences against Kodnani. Judges often question the findings of the police because they are known to act in a partisan manner. Police ki hamesha jo bhi police ke samne gawahi lai jati hai ya fact tathya lai jate hain, jo samajhdar judges hote hain वो ज़रा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि पुलिस को घूस दे के कुछ भी करवाया जा सकता है, ये सबको मालूम है। तो जज पुलिस की कार्रवाई पे सवालिया निशान लगाए या उसके सबूतों पे सवालिया निशान लगाए, वो तो बात समझ में आती है। बट जुडिशियल डिसिप्लिन रिक्वायर्स दैट द जज डजंट डू सो इन अ सिलेक्टिव मैनर। ये नहीं हो सकता कि आप जब चाहे तो पुलिस की मान लो, जहाँ आपको लगता है हमारे मतलब जिसको मैंने ठोकना है उसके ठोकने के फेवर में जा रही है बात, और जब लगे कि पुलिस का जो विटनेस है, जैसे जिस इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ भेजा था कुरनानी का, तो वो उनको साक्ष्य नहीं चाहिए, पर कहीं उनको पसंद आ गया तो वो बड़ी आराम से वो मानने को तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जज याग्निक, बट मोर इम्पोर्टेंटली when she does not have real evidence of Kodnani having interfered with the police investigation, she lets her imagination fill in the blanks. ek inka ye bhi charge tha, kyunki ye to minister thi, par minister tab nahi thi, keval mla thi, chalo ruling party ki mla thi, to police investigation mein inhone zarur tikdmi kaam kiye honge ya police se jhootha evidence ikattha karwaya hoga. aisi इनके दिमाग में सिर्फ शक नहीं था, परंतु ये जजमेंट के दौरान कहती भी है। और जब वहां से भी कोई प्रूफ नहीं मिलता, वहां से भी कि माया कोडनानी ने किसी भी तरह से पुलिस के एविडेंस में थोड़ी भी छेड़खानी की, तो देखिए क्या कहती है। द कोर्ट इज नॉट, दिस कोर्ट इज नॉट सिटिंग इन एन आइवरी टावर एंड इज कॉन्शियस ऑफ द हार्ड रियलिटीज ऑफ द सिस्टम. In the system, normally, if the police officer knows the desire of the political leader, the police would not leave a single stone unturned to give all colors to such desire. अच्छा ये तो बता दो बहन जी, मोहतरमा बहन जी क्यों कहूँ, ऐसी बहन नहीं हो सकती मेरी, मोहतरमा ये तो बताइए कि कहाँ आपको उस डिजायर का कोई एविडेंस मिला कि कोडनानी की डिजायर थी कि पुलिस मेरे
फेवर में झूठे साक्ष्य ले आए, या पुलिस कोई मैन्युफैक्चर कर ले, या जो सही साक्ष्य हैं उनको मिटा दे। कोई एविडेंस तो बताओ, या डिज़ायर उसके दिल में क्या है, इनके पास कौन सी मशीन है जो कुड़नानी के दिल को पढ़ ली, और अगर पढ़ ली होती तो फिर इस तरह की राक्षसी असुरी बातें उनकी जबान से निकल सकती थी। एक मासूम को फंसाने के लिए इतना झूठ पे झूठ बोले जा रही है, इसको कौन कह सकता है कोर्ट की जजमेंट? आप देखिए, पंखा जरा बंद कर दो। कुड़नानी याग्निक इग्नोर्ड कॉन्क्रीट मटीरियल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग विच शो कुड़नानीज प्रेजेंस फार अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द मैसेकर एट द रेलेवेंट टाइम्स। Moreover, Judge Yagnik did not find the need to prove or seek evidence that Kodnani had a desire to set her own neighborhood on fire and see her own clients and patients murdered in cold blood. He bata to deti kahan wo desire ka unko koi evidence mila ki wo apne hi padosiyon ke ghar jalana chahti thi, apne hi patients ko jala ke maar dena chahti thi. Kuch to kahin evidence hona chahiye tha na. There is an unstated assumption that one can know the mind and heart of Kodnani simply because as a Bharatiya Janata Party MLA, she couldn't be anything but a monster and a killer and a fascist and a murderer. बस ये है, भाजपा के हैं तो दंगे तो भड़काएंगी, ये assumption है। ये आप देख रहे हैं ना, सारे global narrative जो चल रहा है मोदी जी के खिलाफ, वो पगलाए हुए हैं अपने सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सिद्ध करने में, अपने को विकास पुरुष विश्वसनीय पुरुष सिद्ध करने में, पर जो नैरेटिव चल रहा है आप देख रहे हैं वो तो फासिस्ट है, मुस्लिम्स आर इन डेंजर। क्यों? क्योंकि भाजपा के हैं, भाजपा और आरएसएस के हैं, और आरएसएस की तो पैदाइश ही फासिज्म से हो, मतलब इस तरह का उलझलूल, यू डोंट नीड एनी साक्ष्य। ये कांग्रेस का लॉजिक रहा है, ये लेफ्ट पार्टीज का लॉजिक रहा है 70 साल से, झूठ बोल बोल के इन्होंने अपना ही माथा इतना भ्रष्ट कर लिया है कि इसको सही में मानने भी शायद लगे हैं, क्योंकि ब्रेनलेस तो आप हो ही जाते जब आप एक जेनोसाइडल कल्ट के मुरीद हो जाए, तो दिमाग में तो भूसा भरना ही है, उसके बगैर कैसे जेनोसाइड्स के फेवर में, जेनोसाइडल कल्ट को अपहोल्ड करने वालों के फेवर में खड़े हो सकते हैं? पर ये कांग्रेस और लेफ्ट का इतिहास ही है, तो इसलिए यही काफी है। Had Yagnik not been driven by her own predilections as a citizen of Ahmedabad, she would have known that after Godhra train fire killed 59 car sevaks, people of her state forgot their political affiliations. Congressmen joined the murderous mobs with as much fury as did BJP workers, as well as apolitical citizens. The mob fury unleashed during that period cut across party lines. ये कई लोगों की टेस्टिमनी है, मैं भी जब गुजरात गई यही सुना, तभी नहीं 2002 में भी जब दंगे हुए थे तब तक ये मैन्युफैक्चर नहीं हुआ था नैरेटिव, जब तक तो मेरे जितने मित्र थे उनमें बहुत से लेफ्टिस्ट भी थे और उनमें बहुत से एनजीओ वालों को भी मैं जानती थी, तब सभी ने ये कहा था कि कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस वर्कर्स ने पहल की दंगों में, सड़क पे आए हुए थे बड़े जोर शोर से, और वैसे भी कांग्रेस वर्कर्स की ज़्यादा माहिरता होती है दंगों में पार्ट लेने की, बीजेपी वालों ने तो इतने ना कराए हैं तो इनको कराने आते हैं, देखिए ना अभी भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं दिल्ली में दंगे हुए, थोड़ा सा हिंदुओं ने रिटेलिएशन किया बीजेपी डर गई और हिंदुओं को ही तुरंत उनको उनके ऊपर केस डाल दिए, इनसे झेले नहीं जाते, कांग्रेस बहुत हजम कर जाती है, मैसकर पे मैसकर, दंगे पे दंगे, 84 का दंगा कराने के बाद इनको 2 दिन भी शर्माई नहीं आई, मेरठ मलियाना शर्माई नहीं आई, मुंबई रायट्स कराने में शर्माई नहीं आई, मैं पूरी लिस्ट गिना सकती हूँ, किसी दिन करेंगे एक प्रोग्राम कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद कांग्रेस ने कितने बड़े 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 और छोटे 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 कितने सैकड़ों दंगे कराए, और ये कि वो भाजपा की इसलिए दंगाई होंगी ये अनोखी लॉजिक है।
There's also no consideration of the fact that on that fateful day, the first ones to get killed were Hindus. कल मैंने आपको बताया ही था कि उस सुबह भी तीन बर्बरता से मारे गए हिंदुओं की जब हालत देखी, उन लाशों की हालत देखी, फिर एक पे तो जैसे मैंने बताया पेशाब भी किया गया उसकी लाश पे, टेम्पो पे बांध के, तो बहुत भड़क गए थे ये नरोड़ा पाटिया के लोग. ऑन पेज 725 ऑफ द जजमेंट, जज याग्निक प्रेजेंट्स अ वेरी स्ट्रेंज टेल ऑफ कॉजेशन. अब देखिए मनगढ़ंत कहानी, कोई बॉलीवुड का जो बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड भी फिल्म होती है ना, ये स्क्रिप्ट ना स्वीकार कर पाए. पर देखिए जज ऐसे हैं हमारे. She notes that the police officer has very specifically stated, अब सुनिए, the police officer has very specifically stated that the active leaders were instigating the mobs. मान लिया, पर active leaders में कौन थे? नाम होने चाहिए थे ना? Active leaders तो किसी पार्टी के भी हो सकते हैं, active leaders तो मुस्लिम लीग के भी हो सकते हैं, और इनके तो दर्जनों संगठन हैं इस्लामियों के, कम्युनिस्ट भी हो सकते हैं, एक्टिव लीडर्स में कांग्रेस भी हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं. शी फर्दर स्टेट्स दैट द एमएलए ऑफ एनी एरिया, अभी देखिए एक्टिव लीडर्स वो इंस्टिगेटिंग द मॉब्स. अब नेक्स्ट है, इसमें किसी पुलिस वाले ने नहीं कहा कि उस दिन उसने माया को नानी को देखा, बट से शी सेज द एमएलए ऑफ एनी एरिया इज बाउंड टू बी एन एक्टिव लीडर. देखिए जरा क्या गजब का जंप है. दो इवन दिस इज नॉट ट्रू, सारे एम एल ए एक्टिव नहीं होते, सारे एम एल ए एक्टिव नहीं होते. प्लेंटी ऑफ एम एल एज निगलेक्ट दैट कंस्टिट्यूएंसीज एंड सम इवन एक्ट रिस्पॉन्सिबली. कहीं ऐसे भी होते हैं भड़काने की बजाय शांति भी बहाल करने जाते हैं. सारे एक ही बिहेवियर पैटर्न होगा कि दंगे ही भड़काएंगे, ऐसा तो दुनिया में होता नहीं है, भारत में तो कम से कम नहीं हुआ. देन इन द वेरी नेक्स्ट लाइन शी सेज, नाउ if she cannot be termed to be an active leader of the BJP and that too in Naroda constituency, then who else can be called the leader of BJP in that area? It can therefore be inferred that A37, that is Maya Kodnani, was present at the site. Ab matha peter ki iski dhunai karu, main kya karu isko, ye aisa sentence sunke पढ़ के. आप सोचिए जब मैंने पहली बार ये सब जजमेंट पढ़ी होगी तब मेरा क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि पहली बार के जो शॉक्स होते हैं यू नो दे आर एंड्योरिंग. अब तो मैं दूसरी या तीसरी बार फिर लिखने के वक्त पढ़ी, दोबारा तिरबारा अब आपके लिए कर रही हूँ, कितने साल पहले हो गए, बट आई स्टिल यू नो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खौलने लगता है कि पुलिस ने कहा एक्टिव लीडर्स इंस्टिगेट कर रहे थे और एमएलए कहती है एक्टिव होना लाजमी है, तो फिर हर एमएलए को बंद करती ये मोहतरमा, हर एमएलए को पकड़ के जेल में डालती क्योंकि हर एमएलए एक्टिव होता है, और फिर इसलिए क्योंकि हर एमएलए एक्टिव होता है तो इसका मतलब एमएलए, क्योंकि ये भी थी उस एरिया की नरोड़ा पाटिया की, ये भी एक्टिव थी तो इसका मतलब ये भी भड़का रही होंगी. कोई लॉजिक है? इस महिला को लॉ प्रैक्टिस करने की भी इजाज़त मिलनी चाहिए थी अगर ये कांग्रेस ही ना होती ना, पेट्रोनेज मिला होता. सच में किसी अदालत में चपरासी की नौकरी भी है इसको नहीं कोई शराफत से देता, मैं सच कह रही हूँ. इसको कोई इंटर्नशिप के लिए भी नहीं रखता, ये ऐसी हैं, इनकी इतनी काबिलियत है. पहले वकील बनती हैं, फिर पोलिटिकल पेट्रोनेज के माध्यम से चलते चलते जज भी बन जाती हैं, और देखिए क्या कह ढाती है. अब देखिए कैसे प्री डिसाइडेड है कोडनानी की गिल्ट. इवन इफ कोडनानी वॉज प्रेजेंट एट द साइट शी कुड वेल हैव कम टू पैसिफाई द मॉब, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, शी इज नॉट सेइंग इट. कि एक्टिव लीडर कभी कभी शांति बहाल करने भी तो आते हैं, बट सच प्रोबेबिलिटीज वर इररिलेवेंट फॉर याग्निक बिकॉज कोडनानी बिलोंग टू द बीजेपी. याग्निक कम्स फ्रॉम अ कांग्रेस फैमिली, दैट बाई इटसेल्फ इज नो डिसक्वालिफिकेशन. और मैं मानती हूँ कि कांग्रेस फैमिली के वकील ईमानदार हो सकते हैं, बहुत कम सही पर हो सकते हैं, बट जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड दैट शी सेट असाइड अ पॉलिटिकल बायसेस, बट याग्निक लेट्स देम रन अमक. नाउ नोटिस हाउ शी जंप्स टू फर्म कंक्लूजन. देयरफॉर क्योंकि वो पुलिस ने कहा लीडर भड़का रहे थे,
अब लीडर भड़का रहे थे, तो एमएलए तो लीडर होता ही है अपने एरिया का, एमएलए होता है तो कोडनानी तो एमएलए की है ही है वहाँ की, नरोडा पाटिया की, तो वो इसका मतलब भड़का रही थी। अब कंक्लूजन आते ही, देयरफॉर इट कैन बी सेफली इन्फर्ड दैट माया कोडनानी वॉज इंस्टिगेटिंग द मॉब, दैट टू इन द मॉर्निंग आवर्स एट द साइट ऑफ द ऑफेंस, बट द पुलिस हैज मेड कॉन्शियस एफर्ट्स टू स्क्रीन हर प्रेजेंस। अब पुलिस पे भी आरोप लगा दिया कि पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही है, क्यों? क्योंकि ये एमएलए थी और रूलिंग पार्टी की थी और बीजेपी की थी, इसलिए पुलिस इसका इसके अपराधों पे पर्दा डाल रही है। और जो पर्दे लिफ्टेड हैं, जो एविडेंस है खुले पब्लिक डोमेन में, वो इसे नहीं चाहिए। नाउ एन इलेक्ट, दिस इज माय कमेंट, एन इलेक्टेड लीडर बीइंग एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी डज नॉट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ऑफ अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट शी वुड वॉन्ट मेहम एंड मर्डरस मॉब्स टू रन अमक इन हर ओन नेबरहुड। फार्सिकल ट्रायल एंड फार्सिकल जजमेंट, या बाय दिस लॉजिक एवरी एम एल ए वेदर ऑफ बीजेपी और कांग्रेस शुड हैव बीन इप्सो फैक्टो डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग एवरी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस दैट टुक प्लेस इन द रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज। अगर इनका लॉजिक इस्तेमाल करें तो हर छोटा बड़ा लीडर हर पार्टी का और हर एम एल ए हर पार्टी का ट्रायल पे होना चाहिए था, अगर ये लॉजिक इस्तेमाल करें जो याग्निक इस्तेमाल करते हैं। Why even bother to conduct a trial when the judge is so sure about what an MLA would have done in such circumstances? Yagnik repeatedly reiterates that Kodnani was a public figure known to everyone in the area and hence the witness identification cannot be disputed. But the same inference and logic can be extended to question as to why a public figure would come out openly before an inflamed mob and distribute weapons at such an explosive time. अगर कोडनानी जी को वेपन डिस्ट्रीब्यूट करने होते तो जहाँ ये सब मेहम हो रहा था उनके घर से कोई 500 मीटर दूर की दूरी पर, अपने घर से ही चुपचाप कर देती ना, ये मोबाइल फोन्स का जमाना था, सब कुछ रिकॉर्ड भी बहुत कुछ हो जा रहा था, तो वो तो हो सकता था ना कि अपने घर से डिस्ट्रीब्यूट करती सड़क के बीचों बीच आके। If Kodnani were indeed inclined to encourage mayhem, would it not have been safer and saner for her to supply weapons from the safety of her own home in the vicinity of the killing fields? The determination of criminal liability requires a precise evaluation of testimonies and careful analysis of each piece of evidence. To conclude the guilt of an accused, there must be concrete evidence beyond a reasonable doubt. But none can accuse Judge Yagnik of sticking to this elementary maxim. Reasonable doubt to say basic elementary, koi do paise ki aukaat wala bhi evidence hota to is tarah ki tedhi-medhi kahaniyan ko na banani padti. To provide another instance among the many available in the 1969-page judgment, on the one hand, Yagnik herself states that the mob was already in such a mood that if Kodnani had attempted to pacify them, she would have been attacked. कहती है कि इतना गुस्सा था कि ये उनको चुप कराने की कोशिश करती, शांत कराने की कोशिश करती अगर Kodnani, तो इस पे भी हमला हो जाता। Yet she declares Kodnani to be the kingpin of the riots and describes her role to be provoking, instigating and boosting up the mob. Even after accepting the fact that the mob was already enraged. जब वो आई वो already गुस्सेल था mob, बहुत उबला हुआ था। Judge Yagnik concludes that it was Kodnani who instigated the rioters. On page 1813 of her judgment, वैसे इसे तो सुल्तानी फरमान कहना चाहिए, ये औरंगजेब ऐसे फरमान issue करते रहे होंगे। कोई जज तो ये लिख नहीं सकता, इसको जजमेंट कहना भी अपमान है उस शब्द का। याग्निक फर्दर कॉन्ट्रडिक्ट्स हरसेल्फ बाय सेइंग दैट द मॉब डिड नॉट हैव द करेज टू स्टार्ट द रायट्स अंटिल Kodnani अराइव्ड देयर इवन आफ्टर हैविंग स्टेटेड अर्लियर दैट द मॉब वाज ऑलरेडी एनरेज्ड। तो वो वेट कर रहे थे ताकि दिलासा हौसला बढ़ाए Kodnani, इसलिए वेट कर रहे थे, उबले हुए थे, गुस्सेल थे, मरने मारने की बात कर रहे थे, पर वेट कर रहे थे Kodnani की कि हमें हौसला अफजाई करे। अनदर क्लियर
case of contradiction appears when Yagnik states, Kodnani being an MLA of the area, it does not sound to be probable that she moved publicly possessing firearm, that too on such a day where media, cameramen, channels, etc. are bound to be present there. कहती है कि वो बंदूक चल के तो नहीं बंदूक हाथ में लेके तो नहीं घूम रही होगी क्योंकि चारों तरफ मीडिया फैला हुआ था बट दिस डज नॉट स्टॉप द जज फ्रॉम एक्सेप्टिंग द टेस्टिमनीज व्हिच सजेस्टेड दैट द वायलेंस स्टार्टेड ओनली आफ्टर कोडनानी अराइव्ड एट द क्राइम सीन एंड इंस्टिगेटेड द मॉब्स और बंदूक भी चलाई कल मैंने आपको कहा ना रिवॉल्वर से उसने कहा गया कि फायर शॉट्स किए पर रिवॉल्वर है भी नहीं भी क्योंकि उनके पास तो कोडनानी के पास कभी भी कोई रिवॉल्वर लाइसेंस नहीं थी और अनलाइसेंस का भी कोई अता पता नहीं तो कोर्ट में कम से कम मंगवानी तो चाहिए थी वो रिवॉल्वर कौन सी थी जिससे इन्होंने शॉट्स फायर किए शी डिडंट इवन आस्क फॉर इट हर प्रेडिलेक्शंस आर अगेन विजिबल ऑन पेज 703 शी अज्यूम्स दैट कोडनानी हैड बीन बिग हाँ ये देखिए She assumes that Kodnani had big political ambitions. Therefore, that must have been a sufficient motivating factor playing the role of a kingpin in the riots. Suniye inki quotation. A37 was then current MLA. Hence, it can be inferred that she must have the ambition to go ahead in politics. And she cannot leave the temptation of taking political mileage by being a kingpin in the series of events That took place on that day. अब कोई तुक है कोई प्रूफ नहीं है पर क्योंकि MLA है तो ambitious होगी तो riots को भड़काने में उसका vested interest होगा ऐसे judgment दिए जाते हैं ऐसे conclusion बनाए जाते हैं judges द्वारा कि किस law college में ये याग्निक की तो छोड़ो पर जिस law college ने इसको डिग्री दिया ना लॉ की उसको बंद करवाना चाहिए कि कैसे निकाल रहे हैं उलझलूल नमूने लॉ कॉलेजेस से और शी इज़ नॉट दी ओनली वन वैसे दुकियाँ पढ़ के आजकल वकील हमारे देश में पास होते हैं वो दुकियों वाली हैं ये इनको तो दुकियाँ भी ठीक से पढ़नी नहीं आती ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ चलिए आगे Due to this presumption against Kodnani, Judge Yagnik violated a cardinal principle of criminal jurisprudence, which states that if there are two views possible while analyzing circumstantial evidence, one pointing towards the guilt of the accused and the other to her innocence, the court should take the view which is favorable to the accused. ये principle है बड़ा important law का कि अगर दो साक्ष्य हैं एक जो सिद्ध करता है कि ये अक्यूज बिल्कुल इनोसेंट है दूसरा साक्ष्य है जो कि उसको अक्यूज की तरफ धकेलता है होने की तरफ धकेलता है तो इनोसेंस वाले साक्ष्य को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए पर यहाँ तो मामला ही कुछ और था हुक्म आया हुआ था मलिका आजम का कि ठोकना है तो करना ही था इन्होंने चलिए ये 28 साल कि जेल टर्म देती है 31 अगस्त 2012 को ये फैसला होता है और 28 साल की जेल इनको दी जाती है शी वॉज नॉट द ओनली इनोसेंट टू बी फॉल्सली इम्प्लिकेटेड इन द राइट्स ड्यू टू द मिसचीफ प्लेड बाय सर्टेन एनजीओस टीस्टा सेटलवाड के अलावा बहुत थे शरारती तत्व हर्ष मंदर का एनजीओ शबनम हाशमी का एनजीओ ये कई सारे गुंडे मवाली एनजीओ वहाँ पहुँचे हुए थे और फिर वहाँ के लोकल भी तो आकार पटेल भी तो वहीं का है उसने भी इस आग में बहुत घी डाला फिर वो फादर क्या नाम है उनका डांग में जो काम करते हैं फादर अभी नाम नहीं याद ही वाज आल्सो वेरी वेरी एक्टिव सब मिले जुले हुए थे एंड सम इवन डाइड इन प्रिजन मैंने शांति लाल जी का आपको बताया 17 साल उन्होंने जेल में बिताए बिल्कुल इनोसेंट और बाहर आने के बाद 3 महीने में उनकी मौत हो गई और अभी तक कई जेल में हैं डोंट थिंक कि सब बाहर आ चुके हैं आप सोचिए इनका भी केस हाईकोर्ट में एक केस में छूट गई है नरोड़ा गांव का तो अभी भी चल रहा है कितने साल हो गए 2008-09 से शुरू हुआ अभी भी चल रहा है
Teesta Sittlewards right-hand man, Rais Khan, who fell out with her, said so in a recorded interview with me, as well as in his testimony before the court, that इन्होंने बहुत बहुत से मासूमों को फंसाया और ये भी कहा, उनको कहा आनन फानन में किसी का भी नाम दे दो, किसी के साथ दुश्मनी ने आपने निकालनी है, पुरानी कंपटीशन है, कोई बिजनेस में आपको कॉम्पीट कर रहा है, किसी का घर हथियाना है, डाल दो नाम, फिर देखी जाएगी, हम संभाल लेंगे। अच्छा, अब ये शौक पता नहीं आप झेल पाएंगे कि नहीं, मैं तो बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए झेलना, आज भी मैं आपके आपके सामने जब ये साक्ष्य पेश कर रही हूँ। जब 28 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई तो गुजरात गवर्नमेंट एक्चुअली गेव क्लियरेंस टू सीक डेथ पेनल्टी फॉर माया कुरनानी, ये हेडलाइन है। डेथ पेनल्टी, मोदी जी को संतुष्टि नहीं हुई थी 28 साल की सजा से माया कुरनानी के लिए। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर व्हेन ही गेव अ क्लियरेंस कि हाँ डेथ पेनल्टी के लिए भी, क्योंकि सरकारी वकील जाते ही हैं, जैसे कथुआ में भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी झूठे केस, ऐसा ही मनगढ़ंत बकवास केस, यू विल सी सून रीड माई बुक ऑन दैट, डू लुक आउट फॉर माई बुक ऑन द कथुआ स्टोरी, इससे भी भयंकर है। और वहाँ पे भी डेथ पेनल्टी के लिए सरकारी वकील को इजाजत मिल गई यहाँ पे भी कि इनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। अब गो हेड दे दिया, और ये जो ऐसा ये जो करने के बाद ये उन कहा गया, आ ब्रीफ टू शो दैट दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, द 10 कॉन्विक्ट्स अगेंस्ट हुम देयर वर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, वी आर गोइंग टू अपील फॉर देयर डेथ सेंटेंस, स्पेशल प्रोसिक्यूटर गौरंग व्यास टोल्ड एनडीटीवी टुडे। It will also seek enhanced punishment for 22 other convicts who were handed 24-year prison terms when it files. कर लीजिए बात, इस धक्के से आप रिकवर हो पाएंगे? मैं तो नहीं। और मजे की बात यह है कि क्योंकि ये जो सारे ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार हैं ना, ये टेररिस्ट को भी डेथ पेनल्टी नहीं देना चाहते, वो हमेशा उसके खिलाफ बोलते हैं, खासकर देश के दुश्मनों को कभी डेथ पेनल्टी मिले तो एकदम पहुंच जाते हैं रात को सुप्रीम कोर्ट को जगाने। तो उन्होंने भी डेथ पेनल्टी की मांग नहीं की थी, क्योंकि अगर इसके लिए की होती तो फिर बाकियों को कैसे बचाते, अपने यार दोस्त जो पाकिस्तान से यहाँ टेरर अटैक्स के लिए आते हैं। तो इन्होंने कर तो दिया, पर मोदी जी को ये गलतफहमी थी कि लोग कहेंगे देखिए कितना गजब का निष्पक्ष चीफ मिनिस्टर है, अपने कॉलीग को डेथ पेनल्टी सूली पे चढ़ाने को तैयार हो गया, कितना निष्पक्ष है ये आदमी, तो अब इसकी अब तो आरती हमें कर लेनी चाहिए, गुणगान करना शुरू करना चाहिए। परंतु नरेंद्र मोदी डिट्रैक्टर्स बिगैन अलेजिंग that this is an attempt by him to shake off the shadow of Gujarat riots which happened under his watch. More than 1,000 Muslims were killed in Gujarat riots. Mr. Modi is now pursuing a national role and is the top choice of BJP cadres to be the party's prime ministerial candidate in next year's general elections. ये कह रहे हैं कि अगले साल होने वाली है 2013 में कहा जा रहा है कि इन्होंने इसलिए death penalty, आप सुनिए, तो ना ही क्या बोलते हैं ना विसाले या ना सनम ना खुदा, मोदी जी का भी वही हाल है, ना मिला खुदा ना विसाले सनम। तो जब इन पे उल्टवार होने लग गए कि अपने कुकर्म छुपाने के लिए, हालांकि बिल्कुल गांधीयन रोल अपनाया था मोदी जी ने इन दंगों के दौरान, और मैं बहुत जल्द आपको डे बाय डे अकाउंट भी पेश करने वाली हूँ कि मोदी जी क्या कर रहे थे, कैसे हैंडल कर रहे थे, आई थिंक दैट स्टोरी इज वर्थ टेलिंग। तो जब इनको क्रेडिट नहीं मिला, देन आती है खबर, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नाउ रीथिंक्स डेथ पेनल्टी फॉर एक्स एड माया कुरनानी। और फिर भी क्या क्या चपत पड़ती है,
It is now doing a rethink, apparently under pressure from RSS, which is BJP's mentor. कि मोदी जी ने खुद नहीं कि RSS ने इनको कहा कि इतना एक्सट्रीम स्टेप मत लो, तो तब इसलिए मोदी जी को नेक नियति का इसमें कोई फायदा नहीं मिला. Now to sum up, Maya Kodnani neither had any involvement in any legal cases from 2002 to 2009. Nor was there any FIR or witness affidavits against her. This is very important to remember. 2002 se 2008 koi unke paas unke khilaf koi FIR nahi, koi complaint nahi. She won the election as an MLA from that area. 2002 mein riots hote hain, 2007-8 mein election hoti hai aur thumping majority se jeetti hain. तो मुसलमान इतने तो मूर्ख हो नहीं सकते कि उसको जिता देते अपनी कंस्टिट्यूएंसी से जहां उनका काफी सब्सटेंशियल प्रेजेंस है. द केसेस वर फाइल्ड ओनली अराउंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एससी मॉनिटर्ड एसआईटी व्हेन द एनजीओस अप्रोच्ड एससी व्हिच इज एनजीओ मतलब टीस्टा जाकिया जाफरी वगैरह वगैरह. एक्चुअली इट इज कांग्रेस पार्टी अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट. देयर आफ्टर ट्रम्प्ड अप चार्जेस अगेंस्ट हर एंड अदर्स वर लेवल्ड. And suddenly, numerous witnesses appeared, propped up from thin air, 7 years after the riots, including against Modi. Modi ji bhi isi mein lapet mein aaye the. Aur bahut se witnesses ne ye kaha ki hame pata hi nahi tha hamari taraf se kya file kiya gaya. Ye cross examination mein sare dharashay ho gaye inke victim. Aur ye spasht ho gaya ki inko isliye target kiya gaya, popular thi, musalmanon mein bhi izzatdar thi. और मोदी जी को गिराने के लिए ये पहला उनका स्टॉप था कि इनको गिराओ तो सिद्ध हो जाएगा कि मोदी के कैबिनेट में भी लोग दंगों में लिप्त थे, तो इसका मतलब मोदी भी लिप्त होगा. सो 18 इन्होंने जाहिर है फिर कुरनानी जी ने अपने बलबूते पे हाई कोर्ट गई और 18 अप्रैल 2018 को गुजरात हाई कोर्ट एक्विटेड कुरनानी एंड हर पीए दोनों को कर दिया. आफ्टर 9 ट्रॉमेटिक ईयर्स माया कुरनानी वाज एक्विटेड बाय द गुजरात हाई कोर्ट ऑफ ऑल चार्जेस. द हाई कोर्ट हेल्ड दैट नन ऑफ द विटनेसेस वर रिलायबल. ये सुन लीजिए, नन ऑफ द विटनेसेस वर रिलायबल. नो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कुड बी एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट कुरनानी. Of the 11 witnesses examined, none had named Kurnani when the case was originally registered in the Naroda Patia Naroda Gam riots. High Court verdict in the Naroda Patia case proved that affidavits were false and witnesses were also tutored. In the Gulbarga case, in which PM Modi got clean chit by the SIT, and जो एसआईटी ने भी माया कुरनानी को एग्जामिन किया था और एसआईटी की रिपोर्ट में भी बहुत स्पष्ट है कि माया कुरनानी का दंगों में कोई रोल नहीं रहा. शी वाज इनोसेंट. द ऑनगोइंग नरोडा गाम केस इन द सेशन कोर्ट इज आल्सो ऑन दिस इन द सिमिलर फॉर्मेट. फेक एफिडेविट्स एप्लीकेशंस ट्यूटर्ड विटनेसेस वो अभी तक चले जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज फॉल्स केसेस. अब सोचिए पोलिटिकल लाइफ तो गई सो गई, इसके बाद कौन आएगा पॉलिटिकल लाइफ में. सोशल लाइफ फाइनेंशियल लाइफ ऑल वेंट फॉर अ टॉस. बिलीव यू मी एज आई सेड आई व्हेन आई मेट हर हस्बैंड इट वाज अ वेरी वेरी ट्रॉमेटिक डे फॉर मी. आज भी मुझे याद है उस घर में किस डिप्रेशन में वो बात कर रहे थे, जी रहे थे अकेले. हर हेल्थ एंड दैट ऑफ हर हस्बैंड आई शुड ऐड इज रूइंड बियॉन्ड क्योर. Ruined beyond cure. आपने वो फोटो देखी ना उनकी, हंसी तो उनके चेहरे पे acquittal के समय भी नहीं आई. Her political career smashed. Social life damaged beyond repair. They're living as recluses. क्योंकि जब इनके ऊपर झूठे केस लगाए गए तो पूरा अखबारों ने स्प्लैश किया. ये हमारे मीडिया की बहुत बेईमानी है. जब किसी पे झूठा केस भी हो तो फ्रंट पेज न्यूज बड़े बड़े हेडलाइंस के साथ आती है, फोटोग्राफ के साथ. जब ये एक्विट हुई, आप गूगल सर्च भी करिए, अभी भी शी इज रेफर्ड टू एज राइट एक्यूज, समबडी हु
इंस्टिगेटेड रायट्स, किंग पिन, ये शब्द अभी भी हजारों एंट्रीज में गूगल सर्च में मिल जाएंगे आपको. सोशल लाइफ डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, बिल्कुल रिक्लूज होके अपना पुराना घर छोड़ा, एक नए नेबरहुड में आके बिल्कुल अनोनमस जिंदगी जी रहे हैं. मेडिकल प्रैक्टिस फोल्डेड अप, हस्बैंड की भी इनकी भी, दे नो पोजिशन मेंटली और फिजिकली टू कंटिन्यू विद देयर वर्क, एंड दे हैड टू सेल ऑफ देयर हॉस्पिटल टू पे द कॉस्ट ऑफ अ लीगल केस. आप बताइए, कंगाल भी करते हैं इनको साथ में. एंड शी एंड हर फैमिली हैव लिव्ड अ स्टिग्मेटाइज्ड लाइफ डिस्पाइट बीइंग इनोसेंट एंड डिस्पाइट हैविंग अ स्टेलर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सोशल सर्विस. ऐसे ही नहीं, 285,000 वोटों से कांग्रेस के निकटतम प्रत्याशी को हराई जो लास्ट इलेक्शन थी. अब ये देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, कौमी इस्लामी मीडिया हमेशा ये आपको चेहरा दिखाएंगे, ये वाला. इवन व्हेन शी वाज क्रिटिकली इल एंड हैड टर्न्ड इनटू अ शैडो ऑफ हरसेल्फ, आज वो सच में शी इज नॉट अ फुल पर्सन एनी मोर, पर यही चेहरा दिखाएंगे हर वक्त. अब जुबिलेशन, कितनी इनको खुशी हुई जब माया कोडनानी की इनकार्सरेशन हुई, ये देखिए जरा, वही सेम ब्रिगेड लेड बाय बरखा दत्त ऑलवेज, वेल डन जज, फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर माया बेन कोडनानी गेट्स 28 इयर्स इन प्रिजन फॉर रोल इन नरोडा पाटिया राइट्स. बहन, इसको भी मोहतरमा कहूँ, बहन जी काय को, इन मोहतरमा से पूछिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आपने केस को स्टडी किया था? मेरी तो कुछ नहीं लगती, ना मैं गुजरात की हूँ, ना मैं गुजराती बोलती हूँ, ना मेरा कोई लेन देन, ना मेरा कभी बीजेपी की, मैं 54 वाली सदस्य भी नहीं हूँ, वो जो क्या बोलते हैं फोन पे आजकल तो मिस्ड कॉल वाली सदस्य भी नहीं. अगर मैं उस जजमेंट को पढ़ के फिर उनकी चार्जशीट पे जाके और इस केस को स्टडी कर सकती हूँ और इस निष्कर्ष पे पहुँच सकती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी कुछ लगती हैं या मेरा उनमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट निहित जुड़ा हुआ है. आपने पढ़ी क्या? मैं चैलेंज कर सकती हूँ इस असुरी औरत ने, ना पढ़ है ये, कथुआ में भी इसने यही तांडव किया. तांडव क्यों कह रही हूँ मैं, शिव जी के साथ जुड़ा है वो तो बहुत हमारे लिए तो सेक्रेड है वो शब्द. ये क्या करती है इसके लिए वोकैबलरी नहीं, इस हमें ढूंढनी पड़ेगी. इन जैसी औरतों की, इन जैसे आदमियों की हरकतें. राजदीप सरदेसाई, बिग न्यूज टुडे, कसाब्स डेथ सेंटेंस अपहेल्ड, माया कोडनानी बिकम्स फर्स्ट बीजेपी एमएलए टू बी कन्विक्टेड इन गुजरात राइट्स केस. कितने जर्नलिज्म अवार्ड इन दोनों को मिल चुके हैं. पढ़ी क्या इन्होंने जजमेंट, पढ़ी क्या इन्होंने एफआईआर, पढ़ी क्या इन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट, नहीं, पर जुबिलेशन कर रहे हैं. फिर कविता कृष्णन, वो माओवादी, आई एडमायर्ड जज ज्योत्सना याग्निक, देखिए कितना नरम दिल, उदार दिल माओवादी का, जो ऐसे डिशू डिशू मारते रहते हैं लोगों को. I admired Judge Jyotsna Yagnik for refraining from death penalty for BJP's Kodnani, Bajrangi and Bajrangi on grounds that hanging is inhuman. इनको अपने माओवादी बचाने होते हैं ना. Please bring this tweets on the screen. हाँ, बड़ा करिए. ये देखिए, hanging is inhuman. अब इनको कसाब को बचाना है, माओवादियों को बचाना है, मर्डरर्स को बचाना है, जेनोसाइडल वायलेंस करने वालों को बचाना है. तो ये तो हाँ, बहुत अच्छी है, उसने 28 साल की दी, डेथ पेनल्टी नहीं दी. ये आशुतोष, एक ही चट्टे बट्टे, जज ज्योति याग्निक सेंटेंस माया को नानी फॉर 28 इयर्स एंड बाबू बजरंगी टिल डेथ, जस्टिस डन इन नरोडा पाटिया, इनके लिए ये न्याय है. कैंगरू कोर्ट्स में भी ये न्याय नहीं होता. मैं दाऊद इब्राहिम की कोर्ट में चली जाऊं ना, वहां भी ये न्याय नहीं होगा. जो ज्योत्सना याग्निक ने किया, वो दाऊद इब्राहिम की भी हिम्मत ना हो, उसका भी जमीर इतना मरा हुआ नहीं होगा. मैं दावे से कह सकती हूँ,
सच में इतना दुख होता है। ये लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, सैकड़ों अवार्ड्स ले चुके हैं, पढ़ी नहीं जजमेंट। और मैंने आपको कोटेशन के साथ एविडेंस आपको पेश किया है, हरिंदा बवेजा, ये भी इन्हीं की चट्टी पट्टी। ओह अनबिलीवेबल, माया कुरनानी एक्विटेड। हाँ ये है ठेकेदार्स ऑफ ह्यूमन राइट्स आउटरेज, जब एक्विटल होती है जजमेंट नहीं पड़ते, पर आग बबूला। माया कुरनानी एक्विटेड डिस्पाइट आई विटनेस टेस्टिमनीज ऑफ एग्जॉटिंग द क्राउड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वॉर्ड्स एंड केरोसिन। एवरी इंडियन शुड फील अशेम्ड, तुम्हारे जैसे अगर लोग इंडियन हैं तो मैं आई टेल यू किसी और प्लैनेट में जाने को तैयार हूँ, आप इंडियन कहलाने की हकदार नहीं है। अब सोचिए, ये भी जर्नलिस्ट हैं, इंडिया टुडे में और कहाँ कहाँ बड़े बड़े पब्लिकेशंस में ये काम कर चुकी हैं, फिर हाँ हाँ तहलका के साथ भी, तो बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तुषार, ट्रू टू हिज बेटी बचाओ प्रॉमिस, माया कुरनानी हैज बीन सेव्ड। अब देखिए मोदी पे चिपका रहे हैं कि बेटी बचाने की ये जो बात करता है, देख लीजिए एक मर्डरर को, एक दंगाई महिला को इन्होंने बचवा लिया। अशोक स्वयं, आई टोल्ड यू बिफोर इट्स एब्सोल्यूटली ओके टू किल मुस्लिम्स इन मोदीज न्यू इंडिया बट डोंट किल अ काउ। मोदी जी ये सर्टिफिकेट मिलता है आपको, कर लीजिए चमचागिरी इनकी जितनी मर्जी, कर लीजिए सबका साथ सबका विश्वास जितनी मर्जी, ये जलालत मिल रही है। अब ये देखिए राजदीप सरदेसाई, फैक्ट चेक, केस अगेंस्ट माया कुरनानी वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय एन SIT अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हेडेड बाय अ फॉर्मर CBI डायरेक्टर के राघवन, हुज नाउ, अब देखिए एक और जूता पड़ रहा है सरकार पे, हुज नाउ इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू साइप्रस, अ मोदी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, यानी वो एम्बेसडर बन के साइप्रस में गए। अब देखिए ना कितना डीवियस ये है, माया कुरनानी इसलिए छुटी और मोदी भी SIT से इसलिए छुटे क्योंकि राघवन जो SIT का हेड था उसको अभी हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने साइप्रस का एम्बेसडर बना के भेज दिया। अब ये इनाम मिलता है कि ये लेन देन हुआ, राघवन जी से मैं मिली जब वो इस केस की सुनवाई कर रहे थे एज SIT हेड, ही वॉज ट्रूली अंडर सो मच स्ट्रेस। और उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी रेस्टोरों में भी खाने को नहीं जाते, अपने कमरे में सिर्फ दाल दही चावल मंगवा के खा लेते हैं कि कहीं रेस्टोरों में किसी अच्छे में बैठा देख लिया किसी ने तो कहेंगे यहाँ पे ऐश करने आए हैं। ही वॉज टेरिफाइड ऑफ द चार्जेस दैट दे वर लेवलिंग अगेंस्ट हिम वंस दे रियलाइज्ड कि इनका स्क्रिप्ट वो अपने जजमेंट में, अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में लिखने को तैयार नहीं, और तरह तरह के आरोप लगाए। ये मैं एक पहले वीडियो में बता चुकी हूँ किस तरह के आरोप इन्होंने राघवन के ऊपर लगाए, जो इतना ईमानदार अफसर रहा, जो कि जब बिजनेस क्लास ट्रैवल कर सकता था तो इकोनॉमी भी उसने किया ताकि आरोप ना आ जाए, क्या क्या उसने अपने ऊपर अनुशासन नहीं डाला। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये मोदी जी का चहेता नहीं था राघवन, ये टीस्टा सेटलवार्ड की मंजूरी से हैंड पिक किए गए अफसर, टीस्टा सेटलवार्ड से पूछा गया ये लिस्ट है, यानी टीस्टा सेटलवार्ड ने लिस्ट दी होगी। होता क्या है कि जब SIT कुछ अपॉइंट करनी होती है, जो पिटिशनर आता है वो मांग करता है, तो उससे फिर वैसे भी पूछ लिया जाता है कि ये हम कर रहे हैं अपॉइंट, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, पर यहाँ ये तो देती थी ना लिस्ट, ये तो जजमेंट लिखने में भी मदद करती थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। इनके चुने हुए लोग मोदी जी के अपॉइंटेड नहीं थे, और उस समय जब ये 2009 में SIT अपॉइंट हुई, 10 में 11 में जब वो काम कर रही थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके ऊपर जिस तरह फांसी के फंदे इन्होंने लटकाए हुए थे, अमित शाह को गुजरात निकाला किया हुआ था, जेल जा चुके थे,
उस वक्त कोई ऐसा माहौल नहीं था कि मोदी के साथ कोई खड़ा हो। 2013 तक भी माहौल नहीं था कि मोदी के साथ कोई खड़ा हो और उसको संभ्रांत परिवारों में लोग अपने साथ बैठ के बात भी कर लें, दिल्ली के खासकर लुटियंस गैंग के सारे जो डोमेन में आते हैं, ये हालत थी। यू बिकेम अ परिया। आई नो वट आई सफर्ड फॉर राइटिंग माई बुक ऑन मोदी और दैट सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इन 2013, मोदी नामा सीरीज। 2013 तक फिर भी वो उभर चुके थे, SIT की रिपोर्ट आ चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सब चार्जेस से बरी कर दिया था, फिर भी जो मेरी बदहाली हुई आई कैन नॉट डिस्क्राइब बाय माय ओन कॉलीग्स लेफ्ट लिबरल, और लिबरल शब्द से मुझे इसीलिए इतनी नफरत हो गई। तो राघवन जी इसलिए मोदी की तरफदारी की होगी। आप सोचिए किस तरह इनका डीवियस ब्रेन है ये, क्योंकि बिकाऊ है, ये सब बिकाऊ हैं। और कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। ये अन्न ये विदेशी टुकड़ों पर पले, देश विरोधियों के टुकड़ों पर पले ये लोग हैं, तो इनको सब बिकाऊ ही दिखेंगे, इनको कोई शराफत दिख ही नहीं सकती। क्योंकि जिन चश्मे को पहन के, जिन चश्मों को पहन के ये दुनिया देखते हैं, वहाँ सब खरीद बेच का सौदा होता है और कुछ है ही नहीं वहाँ पे। कोई धर्म की बात, कोई एथिक्स की बात, कोई इंसानियत की बात है ही नहीं। मनोज मित्ता, ये भी इन्हीं का गैंग मेंबर। मनोज मित्ता ऑन हाउ, ये कविता कहती है, मनोज मित्ता ऑन हाउ अमित शाह टेस्टिमनी इन द माया कुरनानी ट्रायल डज नॉट डिस्काउंट आई विटनेस टेस्टिमनीज एंड अदर एविडेंस अगेंस्ट हर। शी ब्रॉट इन शाह एट अ लेट स्टेज जस्ट टू शो, मेरे पास शाह है और मेरे पास माँ है के तर्ज पे, विच सीम्स टू अफेक्ट कोर्ट्स दीज डेज। अब बताइए, शाह उसके साथ, देर इज वीडियो एविडेंस कि उसके साथ था, असेंबली में साथ था, 16 अस्पताल में साथ था, गाड़ी में साथ था, वो उसको लाने की इजाज़त नहीं दे रही थी, ज्योत्सना याग्निक इजाज़त नहीं दे रही थी कि अमित शाह भी आ सके। वो आ गया तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्योंकि इनको फांसी पे देखना था झूलते हुए, इन सबको, मोदी को, अमित शाह को, माया कुरनानी को, सबको देखना था। कि ब्लड लस्ट कहाँ से आई, क्योंकि जिनके टुकड़े ये पे भी ये पल रहे हैं ना, वहां से केवल यही मिलता है संस्कार, यही ट्रेनिंग मिलती है। अब शैला रशीद आइए। इन द दादरी लिंचिंग केस यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर महेश शर्मा गेव स्टेट फ्यूनरल टू लिंचिंग एक्यूज्ड। In Kathua case, two state cabinet ministers went to free the accused. It's the exact same thing the ruling party is of deadly criminals. Criminals, Shaila ji, aap hain, aap aur aapke bahut se saathi, Kathua rape and murder case mein aap log lipt hain. Main khule challenge ke saath keh rahi hoon. Aur meri kitab ye siddh kar degi. शैला रशीद आगे बहादुरी दिखा रही है। अरेस्ट मी फॉर दिस बट आई विल से इट, मोदी गवर्नमेंट हैज अनलीश्ड मॉब्स एंड क्रिमिनल्स, दे मर्डर, दे रेप, दे लिंच, दे नो दैट नथिंग विल हैपन एंड इन द वर्ड्स ऑफ जेनोसाइड कॉन्विक्ट बाबू बजरंगी, नरेंद्र भाई विल कम इन फ्रीडम, माया कुरनानी वॉज हिज कैबिनेट मिनिस्टर। अब मोदी जी की ये हिम्मत नहीं होती, शाहीन बाग साल डेढ़ साल सारे दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दे, हाईवे ऑक्यूपाई कर ले और एक पुलिस की वाटर कैनन भेज के ही उनको उठवा दे। मोदी जी दंगे करवाएंगे, मोदी जी दंगे करवाएंगे, दंगों में हिंदू मरते हैं, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं सांत्वना का निकलता। मोदी जी ने तो डेथ पेनल्टी के लिए भी मंजूरी दे दी थी, और ये देखिए ये कैसे, मोदी जी इसी से संभल जाओ। मुझे लगता है कि देश के दुश्मन मोदी जी को इतना अनपॉपुलर हिंदुओं के बीच में करना चाहते हैं कि लोग कुछ भी हो ये तय कर लें कि इनको वापस नहीं लाना, और फिर जो लोग आएंगे वो कहर ढा सकते हैं खुलेआम, क्योंकि भाजपा तो फिर खत्म हो जाएगी। ये गेम चल रहा है मोदी जी, आप समझ नहीं रहे, बल्कि उन्हीं की ट्रैप में फंसे जा रहे हैं, धसे जा रहे हैं। आप देख लीजिए क्या क्या सर्टिफिकेट आपको मिल रहे हैं। और ये देखिए, ये मैडम मोहतरमा,
जब ये छुट्टी है तो उसके बाद 28 साल की माया को नानी को सजा देती है, फिर विक्टिम कार्ड, पास मास्टर इन द आर्ट ऑफ अलतकैया, ये सबको सिखा दिया इन्होंने, जो इनके संपर्क में आता है तो अलतकैया का बिल्कुल माहिर हो जाता है। कहती हैं मेरे को 22 थ्रेट्स मिले और मेरी जान खतरे में है। ये मोहतरमा को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी ताकि उस तरह की ऊल जलूल ये जजमेंट दे सके। और जब फिर इनकी वाई 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 क्लास की सिक्योरिटी की गई तो उन्होंने शोर मचा दिया, मेरे को थ्रेट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है। और SIT के कन्वीनर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आशीष भाटिया सेड दैट इन द लास्ट 6 to 8 months ही हैड नॉट कम अक्रॉस थ्रेट लेटर्स टू एनी जज इंक्लूडिंग याग्निक। आई डोंट नो इफ शी रिसीव द लेटर्स बिफोर दैट। 6 to 8 months ago, the government scaled down her security category from Z plus to Y. At that time, she had represented to the government to step up the security cover. However, the security category has been maintained at Y, and a request is pending before the government. ऐसे ऐसे लोगों को Z plus security मिलती है, Z security, Y भी क्या? और इसके ऊपर किसी ने एक गुलेल से कंकर भी नहीं फेंका। कोई एविडेंस नहीं है कि भरे चौराहे में खड़े होके किसी ने इसको गाली भी दी हो, कंकर फेंका हो, एक पेबल भी फेंका हो, फिर भी जेड प्लस जेड सिक्योरिटी क्या क्या मांगती है, क्योंकि इतने पाप किए हैं कि कायदे से उनको पता है वो किस चीज की हकदार है। नफरत की हकदार है, गुस्से की हकदार है, और कहीं गलती से कभी हिंदुओं को गुस्सा आ गया तो, पर हम तो इतने ठंडे पड़ चुके हैं कि हमारे बीच में से इतने जघन्य अपराधों में लिप्त किया जाता है मासूम लोगों को, हम कोशिश भी नहीं करते तहकीकात तो करते। बीजेपी तक ने सही फैक्ट्स क्यों नहीं बताए, मैं जानना चाहती हूँ। इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, किसने क्यों नहीं कुछ किया, क्यों नहीं किया? स्वपन दास गुप्ता जी वो ही कर देते, अरुण जेटली जी वो ही सच ले आते सामने, क्यों क्यों नहीं हुआ? वो चंदन जो पाइनियर के एडिटर थे, वो जर्नलिस्ट तो थे ना इनके साथ के, क्यों नहीं एक शब्द नहीं बोला किसी ने? ये तहकीकात क्यों नहीं की, ये तथ्य क्यों नहीं सामने लाए गए? मुझे समझ नहीं आता है। और ये कांग्रेस कनेक्शंस तो इनके बहुत वेल नोन है ही, और कैसे ये पेट्रोनेज की वजह से कैसे प्रिंसिपल भी बन गई थी IIM नानावती लॉ कॉलेज की, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय नोन कांग्रेस फैमिली, क्योंकि किसी पहले जूनियर लॉयर थी किसी कांग्रेस लीडर की, मनुभाई पालकीवाला जी की। तो ऐसे ऐसे तो और भी बहुत से इनके कनेक्शंस हैं, ये तो मैंने सिर्फ इंडिकेट करने के लिए। अब ये देखिए, राहुल गांधी जी आज दिन आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स सबको तबाह कर दिया है, अपने अपनी वन मैन शो के लिए या अपनी अपनी पावर को कंसंट्रेट करने के लिए इन्होंने पूरी तरह से इंस्टीट्यूशंस भी तबाह कर दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की भी धज्जियां उड़ा दी। अ कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग कैप्चर्ड बाय बीजेपी RSS, और ये ही टॉक्स ऑन मिसयूज ऑफ प्रोब एजेंसीज बाय बीजेपी RSS इन परसूट ऑफ पावर एंड मोर। ये देखिए कैसी कैसी गजब की बातें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेपन बट मीनिंगलेस विदाउट इंस्टीट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर अटैक फ्रॉम बीजेपी RSS वगैरह वगैरह। अब ये बताइए, जो हाल आपने किया ज्योत्सना याग्निक के साथ ही नहीं, अनेकों लोग आज भी सड़ रहे हैं जेल में, आपने क्या किया? जुडिशरी का किस तरह इस्तेमाल किया आपने, किस किस किस्म के, ये तो गैंग रेप किए अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ, और आप ही नहीं, आपकी माता जी
के राज्य काल में ही नहीं हुआ, ये नेहरू काल से चला आता रहा। कोई इंस्टीट्यूशंस की कदर नहीं थी। नेहरू ने तो हारी हुई इलेक्शन, पटेल को चुना गया था प्रधानमंत्री और जबरन छीन ली उसने गद्दी प्रधानमंत्री की। ये तो आपकी इतिहास है पूरी, ये तो फैमिली के जीन्स में, डीएनए में है, जबरन छीनना पावर और इंस्टीट्यूशंस को अपनी ही पार्टी के बहुमत के खिलाफ जाके। बहुमत भी क्या, 1-1.5 वोट थी इनकी, बाकी सब वोट्स पटेल के फेवर में गई थी जब इन्होंने गांधी को पटा के नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया। और फिर उसके बाद क्या धांधलियां की, मतलब को बेहिसाब है। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोप्रायटी, उसकी सेक्रेडनेस, उसकी मान्यताओं को प्रिजर्व करने की सीख ये देंगे। खैर, जब हमारी मौजूदा सरकार इतनी कमज़ोर हो अपने इरादों में, तो फिर तो कोई भी आके भंगो कर सकता है, कोई भी आके इनको सीख दे सकता है, गाली दे सकता है, मुंह पे थूक सकता है। और इतने उदार दिल से हमारी मोदी सरकार ये सब लांछन स्वीकार कर लेती है, परंतु इससे नुकसान केवल मोदी जी का, भाजपा का नहीं, देश का बहुत ज़्यादा, बहुत भीषण नुकसान हो रहा है। और इसलिए हम बार बार सचेत करते हैं मोदी जी को, मोदी जी अब तो सर से भी पानी ऊपर चला गया, कृपया अरेस्ट कीजिए इस ट्रेंड को, प्लीज़ हिम्मत जुटाइए, प्लीज़ हिम्मत जुटाइए। और कुछ नहीं तो ये याद रखिए, आने वाली पीढ़ियां आपको एक फासिस्ट के रूप में याद करेंगी, भले ही आपने वहाँ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बना दिया, बहुत ही मुझे तो वेस्टफुल काम लगा, क्योंकि उस प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में, 3 मूर्ति भवन में उन्होंने सोचा इन सब दिग्गजों के बीच में मेरा भी स्थान है। और फिर जिन नेहरू परिवार के ऊपर आप इतनी टिप्पणियां करते थे, आज उन्हीं के गुणगान हो रहे हैं 3 मूर्ति के उस प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में, आपका भी गुणगान आपने तो उसमें शामिल कर ही लिया। ये तुरंत निकलवा देंगे वहां से, देयर वाज नो नीड एट ऑल। इतिहास के साथ वहां भी छेड़खानी करके आपने ये काम किया, ताकि आपको इतिहास सुनहरे अक्षरों में याद रखे और इन दिग्गजों के बीच में आपका सम्मान हो। ऐसा होने वाला नहीं है मोदी जी, आप देखिए किस तरह की गालियां मिलती हैं आज भी। प्लीज जग जाइए, प्लीज जग जाइए, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द बीजेपी, द कॉन्सिक्वेंस। हाँ, ये है जी, जहाँ म्यूजियम बनाने वाली थी, हम आपको ना थोड़ी देर में, अभी मैं आपके सवाल जवाब ले लेती हूँ, बट वी ऑल्सो हैव ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ टीस्टा विद श्री कुमार। डिटेल में तो मैं श्री कुमार के भी ऊपर प्रेजेंटेशन करूँगी। मैंने लिखा था जब बहुत साल पहले, एक सीरीज मैं लिख रही थी, द हीरोज एंड विक्टिम्स ऑफ द सेक्युलर ब्रिगेड, एक एक की कहानी गजब की है। तो वेरी सून आई प्रेजेंट यू फैक्ट शीट ऑन श्री कुमार ऑल्सो, और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे अगर टाइम हुआ। अभी तो 11 बजने को है क्या, बाप रे, इतना टाइम हो गया। एनी क्वेश्चंस आई एम विलिंग टू टेक दम, और कमेंट्स और एनीथिंग, कि आप आज भी सुन हैं हमारे व्यूअर्स कि कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, ये बाद में भी सुना सकते हैं, इसको पहले ले लेते हैं अगर कोई क्वेश्चंस है, नहीं है तो फिर हम किसी और दिन करेंगे जी। देवांग मधु जी, मोर देन हेटिंग टीस्टा, द मासेस हैव स्टार्टेड हेटिंग द स्पाइनलेसनेस ऑफ मोदी। गाय इज अ मास्टर क्राई बेबी हु लव्स टू बैकस्टैब हिज सपोर्टर्स टू प्ले विक्टिम कार्ड। मोदी आस्क्ड फॉर डेथ पेनल्टी फॉर माया इन 2013, ट्रू? मैंने आपको दिखाया था न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, ही गेव क्लियरेंस टू हिज लीगल टीम, टू गुजरात गवर्नमेंट्स लीगल टीम, कि
28 साल की सजा काफ़ी नहीं है, इनको डेथ पेनल्टी दी जाए। फिर वो ही चेंज हिज माइंड, बट यस ही डिड, ही डिड दैट देवांग जी, क्या कहें। सिद्धार्थ, द टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद एडिशन ऑल्सो प्लेड अ मिस्चीवियस रोल इन दोज टाइम्स। थ्री रिपोर्टर्स, अजय उम्मत, प्रशांत दयाल एंड सईद खान, अ लॉयर, मुकुल सिन्हा, नाउ डेड, टीस्टा, ज्योत्सना एंड आफ्ताब। बिल्कुल सही आपने, स्पॉट ऑन सिद्धार्थ, दे रियली प्लेड अ डर्टी रोल, दे रियली प्लेड अ डर्टी रोल। ये तो हमारी जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमारी तो देश विरोधी ताकतें, अगर हमारे सबसे बड़े बड़े अखबारों, मीडिया हाउसेस को इस तरह अपने वश में कर सकती हैं, कुछ भी झूठ सच लिखवा सकती हैं, सच को झूठ, झूठ को सच बना के, आप सोचिए वेयर आर वी। और इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेरा तो कभी विश्वास नहीं था, अगर होता तो 1979 में हम छुटकी सी मानुषी मैगजीन न शुरू की होती, उस वक्त भी हमारा ये था, इमरजेंसी के दौरान भी इट वॉज फेमसली सेड मीडिया वॉज आस्क्ड टू बेंड, इट स्टार्टेड क्रॉलिंग। अब तो क्रॉल भी नहीं, अब तो पाँव चाटने से आगे भी कोई गंदी चीज चाटी जा सकती है, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतना बदहाल हो चुका है मीडिया कि इनके लिए शब्द क्या इस्तेमाल होते हैं, प्रेस्टिट्यूट्स, तिल मिला जाते हैं। अरे प्रोस्टिट्यूट्स का बहुत धर्ममान होता है, आपने जो कर डाला वो कहीं आगे की कहीं बड़े पाप हैं, बड़े गुनाह हैं जी। एनी अदर, चलिए अगर और नहीं है सुपर चैट में तो मुझे लगता है कि वैसे भी 11 बजने को हैं, तो हम आप सब से आज्ञा लेते हैं। एंड आई होप दैट यू विल स्प्रेड द वर्ड, लेट मोर एंड मोर पीपल वॉच दिस वीडियो, अंडरस्टैंड हाउ फेक नैरेटिव्स आर क्रिएटेड एंड हाउ इंस्टीट्यूशंस आर सबोटाज्ड एंड सबवर्टेड। सो इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि, वंदे मातरम।